हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5, और यूनिट नंबर 5 का नाम है उपसह संयोजन यौगिक, या फिर हम इसे उपसह संयोजक यौगिक भी कह सकते हैं, और हम इसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है? और ये बेटे जो आज का लेक्चर है, इसमें ऑल क्वेश्चंस यानी सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। सारे क्वेश्चंस भाई, चाहे वे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न हो, चाहे एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? और ये एक वन शॉट वीडियो है। कैसा वीडियो है? वन शॉट है। एक ही वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 का पूरा रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही है, ये हमारी क्वेश्चन सीरीज है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी डेडिकेटेड है। ये सीरीज बोर्ड एग्जाम के लिए ही है, जो बोर्ड एग्जाम में जिन बच्चों ने अपने इन यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है, जैसे पांचवा यूनिट है ये उपसह संयोजन यौगिक, जिस बच्चे ने इस पांचवे यूनिट को पढ़ लिया है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया लेक्चर रहेगा ये, वन शॉट लेक्चर। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, चलो अपने ही पढ़ाई शुरू करते हैं इस चैप्टर में। हमें पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हर एक पॉइंट को देखेंगे, एक फास्ट रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का। मतलब बहुत बड़ा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से हमें रिवीजन करना है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है? यानी हम एक फास्ट ट्रैक रिवीजन लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के पाठ्य निहित, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, और फिर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के पाठ्य निहित और एक्सरसाइज में से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। ठीक है? और फिर हम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैप्टर का नाम है उपसह संयोजन यौगिक, या आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें बेटे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द्विक लवण या डबल साल्ट का क्या मतलब है। द्विक लवण या डबल साल्ट, भाई द्विक लवण वो होता है जो पानी में घुलने के बाद या किसी विलायक में घुलने के बाद अपनी पहचान खो देता है, और दो सरल लवण जब आपस में मिलते हैं तो बनता है द्विक लवण। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपको पता है फिटकरी, फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। यह है फिटकरी का सूत्र। और यदि आप फिटकरी को पानी में घोल दोगे तो इसका ये पोटेशियम सल्फेट भी पूरा टूट जाएगा, यानी दो तो बनेंगे K पॉजिटिव आयन और एक बनेगा SO4 डबल नेगेटिव आयन। इसी के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट भी टूट जाएगा, मतलब दो तो बनेंगे Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन, और तीन बनेंगे, ये तीन है ना सल्फेट, तीन बनेंगे सल्फेट डबल नेगेटिव आयन। साथ में 24 क्या है, जल के अणु। तो यदि आप फिटकरी को ध्यान से देखोगे, फिटकरी है, या आप फेरस अमोनियम सल्फेट को देख लो, ये दोनों ही लवण ऐसे हैं जो दो सरल लवणों से मिलकर बने हैं, और यदि इन्हें आप पानी में घोल देते हो तो ये अपनी पहचान खो देते हैं। घुलने के बाद इनका पता नहीं चलता कि फिटकरी को पानी में घोल रखा था हमने, या फेरस अमोनियम सल्फेट को पानी में घोल रखा था। ठीक है? तो ये अपनी पहचान को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। देखो, वे यौगिक जो विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात जो विलयन में सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं। देखो, जितने भी आयन बने, जैसे के पॉजिटिव आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन, सारे के सारे सरल आयन हैं, कोई जटिल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है। इन्होंने, जैसे फिटकरी को आपने पानी में घोल दिया तो उसने अपनी पहचान क्या कर दी, खो दी। तो ऐसे लवण को हम कहते हैं द्विक लवण, या इंग्लिश में आप कह सकते हो डबल साल्ट। अब द्विक लवण के बाद हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना उपसह संयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या होते हैं उपसह संयोजन यौगिक? अभी हमने एक बात करी कि यदि आपके पास फिटकरी थी,
हमने क्या बात करी कि हमारे पास फिट करी थी, ये था K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। और आपने इसे क्या काम करा था, इसे पानी में घोल दिया था आपने। जब आपने इसे पानी में घोल दिया तो दो तो बने थे K पॉजिटिव आयन और एक बना था SO4 डबल नेगेटिव आयन। साथ में ये दो तो बने थे Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन और यहाँ तीन बने थे डबल नेगेटिव आयन। साथ में हमारे पास ये जो जल के अणु है ना, ये तो दुर्बल विद्युत अपघटक है, तो ये तो आयनों में नहीं टूटता, बहुत कम टूटता है आयनों में। तो यहाँ हमें पता चला कि जब आपने फिटकरी को पानी में घोल दिया तो सारे के सारे कैसे आयन बने, सरल आयन। इसलिए फिटकरी ने पानी में घुलने के बाद अपनी पहचान क्या कर दी, खो दी। तो इसलिए हम फिटकरी को कहेंगे कि ये क्या है, डबल साल्ट है, द्विक लवण है। पर आप एक अपना जाना पहचाना एग्जाम्पल देखो, ये कई बार एग्जाम्पल में सिखाता हूँ, K4Fe CN6। इसे देखो ध्यान से, पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फिर आप कह सकते हो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन, ठीक है। तो इस आयन को जब आप ध्यान से देखोगे या इस कंपाउंड को जब ध्यान से देखोगे, और मैं कह रहा कि इसे पानी में घोल दो आप, तो जब आप इसे पानी में घोल लोगे तो चार तो बनेंगे के पॉजिटिव आयन, चार तो बनेंगे के पॉजिटिव यहां से, और एक बनेगा ये बड़ा आयन बड़े ब्रैकेट वाला Fe CN6, और इसके ऊपर चार इकाई ऋणावेश होगा। तो जब आपने फिटकरी को पानी में घोल दिया तो सारी की सारी फिटकरी सरल आयनों में टूट गई, यानी फिटकरी ने अपनी पहचान खो दी। पर जब आपने इसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पानी में घोल दिया, हमने किस में घोला है, पानी में, हमने पानी में या किसी विलायक में घोल दिया जिसमें घुलनशील हो, तो इसमें घुलने के बाद भी हमें ये वाला आयन मिला है जिसे कहते हैं हम जटिल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन। और जटिल आयन की उपस्थिति जलीय विलयन में इस बात का सबूत है कि हाँ ये जो जटिल आयन है ना, वो इसका होगा, इसके साथ पोटेशियम आयन भी है और ये एक जटिल आयन भी है, तो हमारे पास सबूत है ना। इसका मतलब ये जो हमारा उपसह संयोजक यौगिक होता है ना, वो पानी में घुलने से पहले भी अपनी पहचान नहीं खोता और पानी में घुलने के बाद भी वो अपनी पहचान बना के रखता है कि ये जो आयन प्राप्त हुए ये मुझसे प्राप्त हुए। जबकि जो द्विक लवण होता है उसमें दो सरल लवण होते हैं, एक तो ये सरल लवण है, एक तो ये। पर द्विक लवण में भले ही दो सरल लवण हो, जैसे ही आप पानी में घोल दोगे ना, अपनी पहचान खो देगा, पता ही नहीं चलने का कि फिटकरी के थे आयन ये। समझ में आ रही बात? तो ये अंतर होता है द्विक लवण और उपसह संयोजन यौगिक में। हमने अभी पढ़ा उपसह संयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या पढ़ा, वे यौगिक हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक निश्चित संख्या में ऋणायनों या उदासीन अणुओं द्वारा सह संयोजक आबंध द्वारा जुड़ा होता है। ये तो पता ही आपको, जैसे हम बात करते हैं इसकी K4Fe CN6 की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन है, और इसमें ये जो साइनाइड हैं, छह साइनाइड या साइनो कह दो या साइनाइडो कह दो, ये क्या है, छह, या तो इन्हें आप लिगेंड कहते हो, नॉर्मली क्या कहते हो, लिगेंड्स। ये लिगेंड्स धनायनिक भी हो सकते हैं, यानी धनायनिक लिगेंड्स भी होते हैं, ऋणायनिक भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं, पर सबसे ज्यादा लिगेंड्स ऋणायनिक ही होते हैं, जो सबसे ज्यादा नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मतलब कहने की बात यह है कि उपसह संयोजक यौगिक की एक तो बात यह ध्यान रखनी है कि उपसह संयोजक यौगिक ऐसा होता है जो पानी में घुलने के बाद अपनी पहचान नहीं खोता बिल्कुल भी, पहचान अपनी बना के रखता है। दूसरी बात, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं कुछ ऋणायनिक स्पीसीज या धनायनिक स्पीसीज या उदासीन स्पीसीज, जिन्हें कहते हैं लिगेंड। देखो लिखा हुआ है, वे यौगिक हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक निश्चित संख्या में ऋणायनों या उदासीन अणुओं द्वारा सह संयोजक आबंध द्वारा जुड़ा होता है। मतलब इसमें और इसमें कौन सा बंध होता है, उपसह संयोजक, ठीक है, यहां जो है ना उप आना चाहिए था, उपसह संयोजक आबंध। जैसे कि मैंने आपको फ्रेश लेक्चर में भी सिखाया कि Fe तो बीच में है और CN कितने हैं, 6, तो 6 CN का स्ट्रक्चर ऐसा बताया था, ये जो 6 CN है, 1 2 3 4
पांच और छह, ये छह सीएन लगभग ऐसे होते हैं और हर एक क्या करता है, उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है केंद्रीय धातु परमाणु से, ऐसा होता है ब्रैकेट, समझ रहे हैं ना। और इस पूरे के ऊपर होता है चार इकाई ऋणावेश। दूसरे शब्दों में देखो, दूसरे शब्दों में इन यौगिकों में संकुल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। संकुल आयन कौन सा है? संकुल आयन यही है जैसे कि यहां हमारे पास बना था FeCN6 और उसके ऊपर चार इकाई ऋणावेश, जैसे कि ये खोल के स्ट्रक्चर बनाया, मतलब संकुल आयन। जब आप K4FeCN6 को तोड़ोगे, K4FeCN6 जब इसे आप पानी में घोल दोगे तो कैसे टूटेगा? चार तो बनेंगे K पॉजिटिव आयन जो सरल आयन है, पर उसके साथ एक संकुल आयन बनेगा FeCN6 और इसके ऊपर चार इकाई ऋणावेश। इसे कहते हैं हम संकुल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन या जटिल आयन। तो संकुल आयन उपस्थित होना भी पहचान है कि ये कोई उपसह संयोजक यौगिक ही होगा। तो यहां लिखा हुआ है, ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि दूसरे शब्दों में इन यौगिकों में संकुल आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। तो आप तीन बातें लिखोगे यदि कोई उपसह संयोजक यौगिक आपसे पूछता है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये बतानी है कि वे यौगिक जो पानी में घुलने के बाद भी अपनी पहचान नहीं खोते, दूसरी बात उनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन होता है जिससे ऋण आयनिक या धनायनिक या उदासीन स्पीसीज जुड़ी होती हैं जिन्हें लिगेंड्स कहते हैं, और कि कौन से बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। और तीसरी बात आप लिख सकते हो कि इनमें पानी में घुलने के बाद कैसे आयन प्राप्त होते हैं, इनसे संकुल आयन या जटिल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमें पता होना चाहिए लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड पता है ना, लिगेंड या लिगेंड हिंदी में भी लिगेंड कहते हैं, इंग्लिश में भी। भाई आपके पास जैसे हम इस एग्जांपल की बात करते हैं, K4FeCN6, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु हमारा Fe है, तो Fe के चारों तरफ जो स्पीसीज जुड़ी होती हैं यानी केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जो स्पीसीज जुड़ी होती हैं, वे स्पीसीज का मतलब होता है स्पीसीज अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अब अणु, परमाणु और आयन तीनों को अलग अलग बोलने के बजाय हम स्पीसीज बोल देते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जो स्पीसीज हैं, चाहे वे आयन है चाहे परमाणु है या अणु है, और वे जुड़े हुए हैं केंद्रीय धातु परमाणु से कौन से बंध द्वारा? उपसह संयोजक बंध द्वारा। तो उन स्पीसीज को हम कहते हैं लिगेंड्स। जैसे यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, जितने भी साइनाइड हैं वे ऐसे जुड़े हुए होंगे, देखो उपसह संयोजक बंध द्वारा, छह के छह, एक बनाया मैंने। तो यहाँ ध्यान रखना है, एक अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है लिगेंड कहलाता है। मतलब आपको पता है कि जब उपसह संयोजक बंध यहाँ बना है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसे दिया होगा ना, केंद्रीय धातु परमाणु को। आपको पता है उपसह संयोजक बंध वहां बनता है जहां एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दाता परमाणु द्वारा ग्राही परमाणु को दिया जाता है साझेदारी के रूप में, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लिगेंड। लिगेंड की आप परिभाषा यही लिख सकते हो कि किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के चारों तरफ जो ऋणायनिक या धनायनिक या उदासीन स्पीसीज जुड़ी होती हैं उपसह संयोजक बंध के द्वारा, उन स्पीसीज को हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड। फिर हम बात करते हैं लिगेंड के प्रकार या टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ये तो आपको नॉर्मली पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। लिगेंड्स के प्रकार एक तो होता है एक दंतुक लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड उसे कहते हैं जिनमें केवल एक दाता परमाणु हो, कोई ऐसी स्पीसीज जिसमें केवल एक दाता परमाणु हो। देखो जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो लिगेंड एक दंतुर कहलाता है। जैसे मान लो हम यहां इसकी बात कर रहे थे CN- की, तो इसमें दाता परमाणु केवल एक है, कार्बन। कार्बन दाता परमाणु है, वो ही केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ेगा उपसह संयोजक बंध के द्वारा, ठीक है। तो जब किसी लिगेंड में केवल एक दाता परमाणु है और उस एक दाता परमाणु द्वारा ही लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो लिगेंड कैसा है?
एक दंतुक या एक दंतुर भी कहते हैं उसे, या मोनोडेंटेट लिगेंड। तो एक दंतुक लिगेंड के बाद बात आती है द्विदंतुक लिगेंड की। द्विदंतुक लिगेंड उसे कहते हैं जिसमें दो धाता परमाणु हो, यानी जो दो बंध बना रहा हो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। कौन से बंध? उपसहसंयोजक बंध। और बहुदंतुक लिगेंड वे होते हैं जिसमें दो से ज्यादा धाता परमाणु हो, जैसे तीन धाता परमाणु या चार धाता परमाणु, और वो अपने सभी धाता परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा। तो हम ऐसे लिगेंड को कहते हैं बहुदंतुक लिगेंड। तो बाइडेंटेट का मतलब जिसके पास दो धाता परमाणु है और दोनों के द्वारा वो जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु से। और पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है जिसके पास दो से ज्यादा धाता परमाणु है और वो तीन या चार या पांच या छह धाता परमाणुओं के द्वारा उतने ही, जितने धाता परमाणु है उतने ही उपसहसंयोजक बंध बना रहा है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो समझ जाओ कि आपका लिगेंड कैसा होगा, पॉलीडेंटेट होगा, जैसे इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, जैसे इथाइलिन डाइअमीन। ये सारे एग्जाम्पल हमने पढ़ रखे हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्हें अब फिर दोबारे से। देखो, जब एक द्विदंतुर अथवा बहुदंतुक लिगेंड अपने दो या अधिक धाता परमाणुओं का प्रयोग एक ही धातु आयन से आबंधन के लिए करता है, यानी बॉन्ड बनाने के लिए, उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए, तो यह किलेट लिगेंड, तो यह लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड। तो लिगेंड मतलब इसे हम किलेट लिगेंड का मतलब पता क्या होता है, यहाँ किलेट शब्द भी आ गया, चलो इसे आगे तो क्लियर करेंगे ही हम। बात करेंगे द्विदंतुक का मतलब जिसमें दो दाता परमाणु हो, और बहुदंतुक का मतलब जिसमें दो से ज्यादा दाता परमाणु हो। फिर यहाँ किलेट लिगेंड भी आ गया, चलो इसे भी क्लियर कर देता हूं क्या होता है किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड ऐसा होता है जो मान लो केंद्रीय धातु परमाणु ये है हमारा मेटल एटम, और एक लिगेंड यहां है, जैसे मान लो एक लिगेंड ये है हमारे पास इस तरह का, ये लिगेंड है, ठीक है। कार्बन की संयोजकता और नाइट्रोजन की संयोजकता हम पूरी कर लेंगे, जैसे यहाँ हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ दो हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ दो हाइड्रोजन जोड़ दिए, और यहाँ एक हाइड्रोजन। तो एक तो बॉन्ड ये बना, जैसे यहाँ NH2 NH2 लिख दिया, एक बॉन्ड ये बना। तो यहाँ क्या हुआ, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन कहते हैं इसे, ये जो बना है ना NH2 CH2 CH2 NH2, ये एक द्विदंतुक लिगेंड है, इसमें दो दाता परमाणु है। देखो, एक तो ऊपर वाला नाइट्रोजन है, एक तो नीचे वाला, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा हुआ है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है एक्स्ट्रा। तो दोनों ने अपना एक एक उपसह संयोजक बंध बना लिया मेटल एटम के साथ, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, जिससे एक रिंग बन गया, चक्र। तो ऐसा कोई भी लिगेंड जो दो दाता परमाणु रखता हो या दो से ज्यादा दाता परमाणु रखता हो और वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर एक रिंग बना ले, क्या बना ले? रिंग, छल्ला, वलय। तो इस तरह के लिगेंड को हम कहते हैं किलेट लिगेंड। क्या कहते हैं? किलेट लिगेंड। तो किलेट का मतलब ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर एक क्या बना ले, चक्र या छल्ला बना लेता हो, ठीक है बेटे। तो इसे कहते हैं किलेट लिगेंड। फिर उसके बाद बात आती है उभयदंतुक लिगेंड या एम्बीडेंटेट लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड ऐसा होता है जिसमें दाता परमाणु तो दो होते हैं, पर वो कभी तो कोई से दाता परमाणु की सहायता से जुड़ता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, और कभी तो किसी दूसरे दाता परमाणु के साथ जुड़ता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ने के लिए। जैसे मान लो हम बात करें, मान लो हमने इसकी बात करी साइनाइड की, तो साइनाइड यदि कभी कार्बन की सहायता से जुड़ रहा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, और कभी वो जुड़ रहा है नाइट्रोजन की सहायता से केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, तो इसका मतलब दाता परमाणु तो उसके पास दो हैं, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, पर दोनों में से कभी तो वो कार्बन को इस्तेमाल कर रहा मेटल एटम के साथ जुड़ने के लिए, धातु परमाणु के साथ जुड़ने के लिए, और कभी तो वो नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर रहा, उसके पास च्वाइस है, वो कभी कार्बन को कभी नाइट्रोजन को इस्तेमाल करेगा कि तू बना उपसहसंयोजक बंध केंद्रीय धातु परमाणु के साथ या केंद्रीय धातु आयन के साथ। पर ऐसा नहीं होने का कि वो यूं कह रहा कि कार्बन भी बना ले और नाइट्रोजन तुम दोनों बना लो, ऐसा नहीं करने का वो। मतलब ऐसा कोई भी लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु हैं पर दोनों में से एक बारी में कोई सा एक दाता परमाणु ही इस्तेमाल किया जाएगा, समझ रहे ना आप? तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं उभयदंतुक लिगेंड। क्या कहते हैं? उभयदंतुक लिगेंड। तो वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं किंतु संकुल बनाते समय यह केवल एक परमाणु का ही उपयोग करते हैं,
उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं या एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है बेटे, चलो आगे चल रहे। देखो अब हम बात करेंगे कीलेट। कीलेट, ये तो कीलेट तो मैंने आपको समझा ही दिया, अभी तो समझाया। यदि कोई ऐसा लिगेंड है जिसने दो या दो से अधिक बॉन्ड बना लिए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, और बॉन्ड बनाने के चलते उन्होंने केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मिलकर एक छल्ला बना लिया, एक रिंग बना लिया, एक वलय बना लिया, एक चक्र बना लिया, तो हम कहते हैं वो जो चक्र बनता है ना उसे कीलेट कहते हैं हम। और इस तरह के लिगेंड को हम कहते हैं कीलेट लिगेंड या कीलेटिंग लिगेंड, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं कीलेटिंग प्रभाव या कीलेटिंग इफेक्ट। देखो बहुदंती लिगेंड जब केंद्रीय धातु आयन से दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं द्वारा जुड़ते हैं तब एक चक्रीय वलय बनता है जिसे कीलेट कहते हैं। वो जो चक्र बनता हुआ मैंने आपको दिखाया था, यहाँ बताया था कि यहाँ NH2 है और यहाँ CH2 है और यहाँ भी फिर CH2 है और यहाँ NH2 है। इथाइलिन डाइअमीन कहते हैं इसे, शॉर्ट में इसे EN से लिख सकते हैं। और ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, इसने एक तो बॉन्ड इसने बना लिया, एक इसने, तो ये एक चक्र बन गया ना, एक वलय बन गया, तो इस वलय को या चक्र को हम कहते हैं कीलेट। ठीक है, और ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं कीलेटिंग लिगेंड। ठीक है, और इस घटना को या इस क्रिया को हम कहते हैं कीलेटिंग प्रभाव या कीलेटिंग इफेक्ट, किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। अगला पॉइंट है उपसह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान से समझना। मान लो आपके पास एक उपसह संयोजक यौगिक है, तो उस उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु तो होगा ही, जैसे K4Fe-CN6 में Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, तो वो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ कौन होंगे, लिगेंड्स होंगे, और लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कौन सा बंध बना रहे होंगे, उपसह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यानी तीर वाले बॉन्ड्स, उपसह संयोजक बंध, उनकी संख्या को, तो आपको उपसह संयोजक बंधों की संख्या गिननी है, उस उपसह संयोजक बंधों की संख्या गिननी है जो केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर बने हुए हैं, और किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने भी उपसह संयोजक बंध बने हुए होते हैं तीर वाले, उन उपसह संयोजक बंधों की संख्या को हम कहते हैं उपसह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसे उपसह संयोजक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, या इसे समन्वय संख्या भी कहते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को, मतलब जैसे हम बात करें कि आप कुछ टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि जो उपसह संयोजन संख्या होती है ना वो होती है कि केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उन लिगेंड्स को नहीं गिनना है, आपको गिनना है केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर कितने उपसह संयोजक बंध बने हुए हैं। मान लो एक लिगेंड जुड़ा हुआ है और वो लिगेंड बाइडेंटेट है यानी द्विदंतुक, तो लिगेंड तो एक जुड़ा हुआ पर उसने उपसह संयोजक बंध तो दो बना रखे, तो हम कहेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या दो है। तो आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं देखना है, आपको देखना है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, उपसह संयोजक बंधों की संख्या कितनी है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। ठीक है, अब इन्होंने जो भी लिख रखा, देखो धातु परमाणु या आयन की उपसह संयोजन संख्या यानी इसे शॉर्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, उससे सीधे जुड़े लिगेंड्स की संख्या को दर्शाती है। अब ये बात बिल्कुल गलत है जो यहाँ लिखी हुई है, बिल्कुल गलत है। ये तो यूं कह रहे किताब वाले कि लिगेंड्स की संख्या गिन लो बस। भाई लिगेंड्स की संख्या केवल एक शर्त पर गिन सकते हैं, यदि जितने भी लिगेंड्स हैं वे सारे एक दंतुक लिगेंड्स हों यानी मोनोडेंटेड। लिगेंड्स की संख्या को कभी भी उपसह संयोजन संख्या नहीं कहते हैं, इस बात को कान खोल के और दिमाग की खिड़कियां खोल के अपने अंदर फीड कर लो और सेव कर लो। उपसह संयोजन संख्या का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यानी किसी केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर बनी हुई उपसह संयोजक बंधों की संख्या, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखो अगला टॉपिक पांचवा, हम पूरे चैप्टर को फास्टली रिवाइज कर रहे हैं पूरे चैप्टर को, और रिवाइज करने के बाद सारे पॉइंट, छोटे छोटे से पॉइंट डिस्कस करने के बाद एकदम हम NCERT के पाठ्यनीत प्रश्नों पर आ जाएंगे, और उसके बाद उन्हें खत्म करते ही NCERT की एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, और उन्हें खत्म करने के बाद NCERT एग्जाम्पलर किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आ जाएंगे,
और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारा एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और हमेशा बताता हूँ कि ये जो सीरीज है ना हमारी क्वेश्चन सीरीज, ये क्वेश्चन सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत खास है जिन्होंने सेलेबस को कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, उन्हें बहुत बढ़िया समझ में आएंगी सारी बातें। देखो बेटे हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, होमोलेप्टिक संकुल या होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक का मतलब जिसके ऊपर सारे के सारे लिगेंड्स एक जैसे हों, ठीक है। देखो इनमें धातु परमाणु या आयन एक प्रकार के लिगेंडों से जुड़े होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर जितने भी लिगेंड्स हैं, 5 हैं 6 हैं 10 हैं, जितने भी हैं, वे सारे के सारे एक ही तरह के हैं। जैसे K4Fe CN6 में 6 के 6 लिगेंड CN हैं, CN नेगेटिव यानी साइनो या साइनाइडो। जब सारे लिगेंड्स एक जैसे हो ना, तो ऐसे संकुल को या कॉम्प्लेक्स को या उपसह संयोजक यौगिक को हम कहते हैं होमोलेप्टिक संकुल या होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसका अपोजिट है हेटरोलेप्टिक संकुल, हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसमें लिगेंड्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, मतलब जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड्स उपस्थित हों। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक उपसह संयोजक यौगिक है K4Fe CN6, एक तो ऐसा है K4Fe CN6 और एक और है दूसरा, एक है K4Fe CN4Cl2। इसे देखो ध्यान से, अब ये भी उपसह संयोजक यौगिक है और वो भी है, दोनों में केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें भी Fe है इसमें भी Fe है। इसके ऊपर कितने लिगेंड्स हैं, 6, और इसके ऊपर भी 6 हैं, 4 और 2 6, पर इसके 6 के 6 लिगेंड्स एक जैसे हैं, 6 के 6 साइनाइडो हैं। इसके ऊपर 6 लिगेंड्स एक जैसे नहीं है, 4 तो हैं साइनाइडो और 2 हैं क्लोराइडो। तो जब सारे लिगेंड्स एक जैसे हों तो उसे तो हम कहेंगे होमोलेप्टिक संकुल, और जब सारे लिगेंड्स एक जैसे ना हो तो कहेंगे हेटरोलेप्टिक संकुल। बताओ समझ में आ रही क्या बात, ठीक है चलो आगे चलते हैं। अगली बात आती है संकुल आयन पर आवेश। भाई जो संकुल आयन होता है ना, संकुल आयन उसे कहते हैं जो जिसे आपने कॉम्प्लेक्स आयन या जटिल आयन या संकर आयन कहा है। जैसे K4Fe CN6 है ना, इस एग्जाम्पल को बार बार इसलिए लेता हूँ कि कम से कम ये वाला एग्जाम्पल तो आपके याद हो जाए। K4Fe CN6 को पानी में घोलने के बाद ऐसे टूटता है, 4 तो बनते हैं K पॉजिटिव और एक बनता है Fe CN6, 4 इकाई ऋणावेश। तो ये जो बड़े ब्रैकेट में आयन हम लिखते हैं ना, इसे कहते हैं हम संकुल आयन। क्या कहते हैं, संकुल आयन। हमें पढ़ना है संकुल आयन पर आवेश, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। किसी भी संकुल आयन के ऊपर जो कुल आवेश होता है ना, वो केंद्रीय धातु परमाणु के आवेश और लिगेंड्स के आवेश के योग के बराबर होता है। भाई इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है ना, उसके ऊपर 2 इकाई धनावेश है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, और इसके ऊपर होता है -1 साइनाइड के ऊपर। तो 6 साइनाइड है, -6 हो गए और +2, जब -6 और +2 हो गए तो इसका बीजगणितीय योग तो -4 ही आएगा, इसलिए ये आवेश होता है संकुल आयन के ऊपर। तो किसी संकुल आयन पर उपस्थित आवेश का परिमाण केंद्रीय परमाणु आयन यानी इसके ऊपर कितना आवेश है और लिगेंड्स तथा लिगेंड्स अणुओं पर उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग होता है। इन दोनों का बीजगणितीय योग देखना आपको कितना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी करके दिखाया कि भाई आपके पास जो ये था Fe, इसके ऊपर 2 इकाई धनावेश था और साइनाइड के ऊपर 6 के 6 साइनाइड के ऊपर कुल मिलाकर 6 इकाई ऋणावेश था। तो इनका +2 और -6 होता है -4, बीजगणितीय योग तो -4 आएगा ना। तो इस तरह हम आवेश निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, वर्नर सिद्धांत, वर्नर थ्योरी। वर्नर ने बहुत बढ़िया बात बताई थी, डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्न है। नंबर 1, पहली बात क्या बताई, संकुलों में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। किसी भी संकुल में, संकुल का मतलब होता है उपसह संयोजक यौगिक, उसमें जो धातु है वो 2 प्रकार की संयोजकता दिखाती है, एक तो प्राथमिक संयोजकता, एक तो द्वितीयक संयोजकता। पहली है प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी, यह दिशाहीन होती है
आयनिक बंध होता है, जिसे प्राथमिक संयोजकता कहते हैं ना, वो बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ होता है। और जब वर्नर ने ये थ्योरी दी थी ना, तो बड़े ब्रैकेट के बाहर ज्यादातर ऋण आयनों को दिखाया जाता था, और ऋण आयन बाहर हैं, अब तो चाहे कह दो धनायन बाहर हैं, वे आयनिक बंध द्वारा ही तो जुड़े हुए हैं, जब ही तो टूट जाते हैं एकदम पानी में घुलते ही आयनों में। प्राथमिक संयोजकता दिशाहीन तथा आयनित होती है, यानी आयनों में टूट जाएगी, जैसे CuNH3। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको, CuNH3 का होल 4 बड़े ब्रैकेट में बंद है और बाहर लिखा हुआ है SO4। अब देखो इसमें कॉपर के ऊपर चार तो जुड़े हुए हैं एमीन, ठीक है, और एक सल्फेट जुड़ा हुआ है। तो ये जो सल्फेट जुड़ा हुआ है ना बेटे, ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ है, पानी में घुलने पर ये सल्फेट अलग हो जाएगा। आपको पता है SO4 डबल नेगेटिव आयन बनेगा, और CuNH3 का इसके ऊपर आएगा 2 इकाई धनावेश। तो जो सरल आयन के रूप में टूट गया ना, वो ऋण आयन होता है, ऐसा वर्नर ने बताया था। यानी यहाँ जो है इसके और इसके बीच में आयनिक बंध बन रहा है, और आयनिक बंध अदिशात्मक होते हैं, कोई दिशा नहीं होती आयनिक बंध की, इसलिए आयनिक यौगिकों की कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। दिशाहीन तथा आयनित होती है, आयनित का मतलब जो आयनों में टूट जाए, यहीं से ही तो टूटेगा जो आयनों में। यह प्राय ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। पहले थी ये बात कि ऋण आयन ही ब्रैकेट के बाहर लिखे जाते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। जैसे मैं बार बार इस एग्जाम्पल को बता रहा, K4Fe CN6, इस एग्जाम्पल को देखो, इसमें तो धनायन लिखे हुए बाहर, पर वर्नर के टाइम में था कि ज्यादातर ज्यादातर प्राय का मतलब क्या होता है, मोस्टली मोस्टली ऋणायन ही होते हैं ब्रैकेट के बाहर, जो आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से, और उस आयनिक बंध को ही हम प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। फिर प्राथमिक संयोजकता के बाद वर्नर ने बताई थी द्वितीयक संयोजकता, वर्नर ने बताई द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी दिशात्मक तथा अनआयनित होती है, मतलब एक निश्चित ज्यामिति आकृति होती है और आयनों में नहीं टूटती पानी में घुलने के बाद। यह धातु से जुड़े लिगेंड परमाणुओं की संख्या अर्थात उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में ही एक्सप्लेन कर रहा, देखो अभी हमने बात करी थी इस एग्जाम्पल की, CuNH3 का होल 4 और बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था SO4। अब देखो वर्नर ने इसकी संरचना कैसी बताई, इसने बताया कि यह तो केंद्रीय धातु परमाणु है, चार NH3 जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, यहाँ NH3 है, यहाँ NH3 है, यहाँ NH3 है, यहाँ NH3 है। मतलब उसने बताया कि ये तो चार तो ऐसे बॉन्ड है जो टूटने के नहीं पानी में घुलने के बाद, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। एक है SO4, तो वो जो प्राथमिक संयोजकता है उसे आप कहीं बना दो, SO4 को यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, क्योंकि SO4 जब CU से जुड़ेगा तो आयनिक बंध बनेगा, और आयनिक बंध दिशाहीन होता है यानी अदिशात्मक होता है, उसकी कोई निश्चित ज्यामिति आकृति या बॉन्ड एंगल नहीं होता है। तो मेरी मर्जी, मैं यहाँ जोड़ दूंगा, बस यहाँ जोड़ दिया लो SO4, ठीक है, डबल नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कहने की बात यह है कि वर्नर ने कहा SO4 को यदि मैं यहाँ जोड़ दूँ, कहीं भी जोड़ दूँ, हर जगह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आयनिक बंध है, ये वो बॉन्ड है जो पानी में घुलते ही टूट जाएगा, कमजोर है, और ये चारों के चारों क्या है, उपसह संयोजक बंध, ठीक है। ये बातें बाद में क्लियर हुई कि ये आयनिक बंध और ये उपसह संयोजक बंध है, बाद में ही तो हम इसे बॉन्ड को ऐसा बनाने लग गए, ऐसा ऐसा, पर ये पानी में घुल गया, ये वाले बॉन्ड नहीं टूटेंगे, ये नहीं टूटने के, ये वाला टूटेगा बॉन्ड, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता कमजोर है, इसीलिए तो डॉटेड से दिखाई, इसीलिए तो टूट गया पानी में घुलते ही। चलो आगे आओ, वर्नर का सिद्धांत समझ में आ गया, वर्नर को हमने फास्टली रिवाइज करा है, वर्नर थ्योरी को। वर्नर ने कहा था कि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है, एक तो प्राथमिक, एक तो द्वितीयक। प्राथमिक तो वो है जो बड़े ब्रैकेट से बाहर जुड़े हुए चीज हैं, ठीक है, चाहे वो ऋणायन हो या धनायन, पहले मोस्टली ऋणायन होते थे वे, और पानी में घुलते ही प्राथमिक संयोजकता वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, यानी वो आयनन योग्य होती है प्राथमिक संयोजकता। और द्वितीयक संयोजकता वो है जिसके द्वारा
केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर कौन जुड़े हुए होते हैं? लिगेंड्स, और वे लिगेंड्स वाली द्वितीयक संयोजकता कभी भी आयन इतनी होती है, पानी में घुलने के बाद आयनों में टूटती नहीं है, नहीं तो फिर संकुल आयन कैसे बनेगा। अब 9वें पॉइंट पर आते हैं चैप्टर के, उपसह संयोजन यौगिकों के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति, आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आईयूपीएसी पद्धति में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी बेटे। सबसे पहले तो आयनों का नामकरण का क्रम, ऑर्डर ऑफ नॉमनक्लेचर ऑफ आयंस। आयनिक संकुलों में पहले धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है, पहले धनायन फिर ऋणायन का। जैसे जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है के फोर एफ ई सी एन सिक्स, तो ये वाला हिस्सा धनायन है और ये वाला ऋणायन, तो पहले इसका नाम लिखा जाना फिर इसका, इसका नाम पोटेशियम ही लिखा जाना, ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा नॉर्मल लिखा जाएगा, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। ठीक है, पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल उठा लो सी यू एन एस थ्री का होल फोर और ब्रैकेट के बाहर है एस ओ फोर। अब इसे देखो ध्यान से, इसमें पहले तो ब्रैकेट वाला हिस्सा आ रहा, बाद में आ रहा बाहर वाला हिस्सा, तो पहले जो भी हिस्सा पहले आता है ना वो धनायन होता है, बाद वाला ऋणायन। इसमें बाहर वाला हिस्सा धनायन है, इसमें अंदर वाला हिस्सा धनायन है ब्रैकेट के अंदर वाला, तो पहले धनायन का ही नाम लिखना है फिर लिखना है ऋणायन का। आपको ये नहीं देखना कि ब्रैकेट के बाहर क्या है ब्रैकेट के अंदर क्या है। यदि ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले है तो पहले उसका नाम लिखो, और यदि ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा पहले है तो पहले उसका नाम लिखो, क्योंकि पहले वाला हमेशा धनायन होगा बाद वाला ऋणायन होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि आयनिक संकुलों में पहले धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है, हमेशा पहले धनायन का नाम लिखो और फिर ऋणायन का। इस चक्कर में ना पढ़ो कि कौन सा ब्रैकेट में लिखा हुआ कौन सा ब्रैकेट के बाहर है। नंबर दो, लिगेंडो के नाम, नोमनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स। देखो ऋणात्मक लिगेंड्स जितने भी होते हैं उनके नाम के बाद में ओ लगता है, क्या लगता है? ओ, ध्यान रखना। जैसे साइनो, साइनो क्यों लगता है? क्योंकि साइनो होता है सी एन नेगेटिव, इसलिए इसका नाम साइनो। कुछ लोग इसे साइनाइडो भी लिख सकते हैं, पर ध्यान रखना ओ जरूर लिखना है, साइनो सी वाई ए एन ओ, ओ आना चाहिए। जैसे क्लोराइडो, क्लोरीडो लिख दो या क्लोराइडो। देखो सी एल के ऊपर भी तो ऋणावेश होता है, ये भी तो ऋण आयनिक लिगेंड है नेगेटिव लिगेंड से, तो इसका नाम क्लोराइड होगा। क्लो वैसे तो क्लोराइड होता है ना, क्लोराइडो, देखो ओ आया इसमें भी बाद में, तो ध्यान रखना ऋणात्मक लिगेंड्स के नाम के बाद में क्या लगता है? ओ। उदासीन और धनात्मक लिगेंड्स के नाम नहीं बदलते हैं, जो उदासीन लिगेंड है उसका नाम नॉर्मल लिखा जाएगा, जैसे मान लो H2O है उसका नाम तो एक्वा ही लिखा जाएगा, एक्वा। ठीक है, जैसे NH3 है NH3 का नाम एमीन ही लिखा जाएगा, कुछ चेंज नहीं होना इसमें। ठीक है, ध्यान रखना उदासीन तथा धनात्मक लिगेंड्स के नाम नहीं बदलते हैं, जैसे H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमीन, CO के लिए कार्बोनिल तथा NO के लिए नाइट्रोसिल, कुछ नहीं चेंज हुआ। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो ऋणात्मक लिगेंड हैं उनके नाम के बाद में O आना चाहिए। ठीक है, चलो तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है IUPAC नाम लिखते समय, तीसरी बात ध्यान रखनी है लिगेंडो के नामकरण का क्रम। ध्यान रखो लिगेंड के नामकरण का क्रम वही होगा जो ABCD यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ABCD तो याद है ना सबके, तो ABCD के क्रम में लिखना। यदि किसी संकुल में एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हो तो उनको नामित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला आपको पता ही है, ABCD के सिक्वेंस में हम चलेंगे, जैसे डिक्शनरी देखते हैं, जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसी का नाम पहले लिखना उसी लिगेंड का। लिगेंडो की संख्या का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स। भाई लिगेंड यदि एक है, मान लो एक लिगेंड है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं लिखना, एक के तो लिखने की जरूरत नहीं है, पर यदि लिगेंड आपके पास दो हैं तो आप डाई का प्रयोग करोगे, तीन के लिए करोगे ट्राई का प्रयोग, चार के लिए करोगे टेट्रा का, ये तो नॉर्मल बात है, पांच के लिए क्या करोगे पेंटा का। ठीक है, ये
पर कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मान लो इथाइलीन, मान लो एक लिगेंड है इथाइलीन डाइअमीन, ये एक लिगेंड है इथाइलीन डाइअमीन। अब इस लिगेंड को देखो, इसमें तो पहले से ही डाई आ रहा, तो आपको क्या करना है, इसे ब्रैकेट में लिख दो पहले तो। और मान लो ये दो हैं, इथाइलीन डाइअमीन को शॉर्ट में हम इस तरह लिखते हैं ई एन, इसका मतलब इथाइलीन डाइअमीन होता है। मान लो इथाइलीन डाइअमीन दो हैं, तो आप फिर डाई शब्द का प्रयोग नहीं करने के यहाँ, कभी डाई लगा दो, क्योंकि ऐसा लगेगा डाई इथाइलीन डाइअमीन, मजा ही नहीं आया कुछ भी, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो ऐसो के लिए आप शब्द प्रयोग करते हो बिस, दो के लिए तो बिस प्रयोग करोगे, तीन के लिए, यदि तीन आ गए ऐसे कैसे जिनके नाम में पहले ही डाई ट्राई टेट्रा आता हो, जैसे इसमें आ रहा, तीन के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्रा किस, समझ रहे आप, पांच के लिए पेंटा किस, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, यही बात यहां लिखी हुई है, देख लो। यदि संकुल से जुड़े लिगेंड सरल हैं, जैसे क्लोराइडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो आदि, तो उनकी संख्या उनके नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा आदि जोड़कर प्रदर्शित करते हैं, अन्यथा यदि सरल लिगेंड नहीं है, सरल लिगेंड उन्हें, सरल लिगेंड जो नहीं है ना, उनकी पहचान पता क्या है, उनके नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा होगा, पहले से ही आ रहा होगा, तो लिगेंड नहीं है तो फिर दो के लिए तो लगेगा बिस, और तीन के लिए लगेगा ट्रिस, और चार के लिए टेट्रा किस, पांच के लिए पेंटा किस, इस तरह। ठीक है, ये चीजें सिखा रखी हैं आपको पहले से ही। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, केंद्रीय धातु आयन का नामकरण। भाई केंद्रीय धातु आयन के नामकरण में सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, सिर्फ यहाँ लिखा नहीं हुआ कुछ, मैं ही बता रहा आपको, आपको पहचानना है धनायनिक संकुल है ऋणायनिक संकुल। यदि ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले आ रहा, जैसे मान लो ये ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले आ गया, Cu(NH3) का होल फोर SO4, इसमें ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले आ गया, और यदि मैं लिखूं K4Fe(CN6), इसमें ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में आया, इसमें पहले, यदि ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले है तो इसे हम कहते हैं धनायनिक संकुल, क्योंकि संकुल आयन तो धनायनिक है, पहले वाला हिस्सा तो धनायन होता है ना, धनायन होता है पहले वाला हिस्सा, और यदि ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में आ रहा तो इसे हम कहते हैं ऋणायनिक संकुल। तो धनायनिक संकुल वो होता है जिसमें ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले हो, यानी संकुल ही धनायन हो, संकुल आयन कौन सा हो, धनायन, और ऋणायनिक संकुल वो होता है जिसमें ब्रैकेट वाला हिस्सा कहाँ हो, बाद में, यानी ब्रैकेट वाला हिस्सा ऋणायन हो। ठीक है, तो यदि धनायनिक संकुल है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम सामान्य ही लिखना, कुछ नहीं लिखना, जैसे यहाँ कॉपर ही लिखूँ हमेशा, पर यदि ऋणायनिक संकुल है तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में एट लगेगा, जैसे इसका नाम फेरेट होगा, क्या नाम होगा इसका, फेरेट। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखनी है, देखो ऋणायनिक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में क्या लगाना है, एट, ये लिखा है ऋणायनिक संकुल, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार के संकुल जैसे PtNH3Cl5- में पहले लिगेंड को नामित करते हैं, लिगेंड्स तो सारे लिखने ही, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ABCD के क्रम में, जैसे ये एमीन है और ये क्लोराइडो है, एमीन ए से शुरू होता है, क्लोराइडो सी से, तो ABCD में तो ए पहले आता है, तो हम पहले एमीन लिखेंगे, फिर पेंटा क्लोराइडो, एमीन पेंटा क्लोराइडो, और ये ऋणायनिक संकुल है, देखो ब्रैकेट बाद में ही होगा इसमें, ठीक है, जब भी तो ऋणायन दिखा रखा है इसके ऊपर ऋणावेश। और उसके बाद केंद्रीय परमाणु को केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद एट, देखो ये है मेन चीज, एट लगा देते हैं, तथा उसकी आक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में कोष्ठक में संकुल के नाम से ठीक बाद बिना जगह छोड़े लिख देते हैं, एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान ये रखना है, ऋणायनिक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में एट आना चाहिए, जबकि धनायनिक या उदासीन संकुल में, कैटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, इस प्रकार के संकुलों जैसे Cr(H2O) का होल फोर Cl2 धनायनिक है, देखो पॉजिटिव चार्ज है, CuNH3 का होल फोर प्लस टू, तथा CONH NO3 का होल थ्राइस
माहौल था, इसमें कोई आवेश नहीं है, उदासीन संकुल है। में भी पहले लिगेंड्स फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में बाद में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ध्यान ये रखना कि ऋणायनिक संकुल है तो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय बाद में एट लगेगा, जैसे प्लेटिनेट, जैसे क्यूपरेट, जैसे कोबाल्टेट। यदि ऋणायनिक संकुल है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद में एट लगाना है, और यदि उदासीन संकुल या धनायनिक संकुल है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम सामान्य रूप से लिखना, कोई चेंज नहीं करना आपको। अब आ जाओ आप नेक्स्ट अगली बात पर। प्रभावी परमाणु संख्या नियम, इसमें तो एक फार्मूला ध्यान रखना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इसमें तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी बेटे, ये फार्मूला है देखो इसका। जब भी आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है ना, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर केंद्रीय धातु परमाणु का, तो धातु का परमाणु क्रमांक लिख लो, एटॉमिक नंबर, और उसमें से घटा दो धातु की ऑक्सीकरण संख्या, और उसमें जोड़ दो 2 गुणा 1 दंतुर लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड कितने हैं, बराबर निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त हो जाएगा ऐसा करने पर। यह ध्यान रखना है, इस फार्मूले का इस्तेमाल हो सकता है प्रभावी परमाणु क्रमांक में। समावयवता या आइसोमेरिज्म, पता ही है आपको, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र एक जैसे हों, संरचना सूत्र या कुछ गुण अलग अलग हों, तो ऐसे यौगिकों को हम एक दूसरे के समावयवी कहते हैं, और इस घटना को कहते हैं समावयवता। यदि दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्नता हो तो इन यौगिकों को समावयवी यानी आइसोमर कहा जाता है, तथा इस घटना को समावयवता कहा जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, समावयवता होती है दो प्रकार की। इसमें पहली होती है संरचनात्मक समावयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और समावयवता में जो पहला प्रकार है संरचनात्मक समावयवता, इसके नाम से ही समझ जाओ कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र तो एक जैसे हों पर उनके संरचना सूत्र हों अलग अलग प्रकार के, तो हम कहते हैं कि वे संरचना समावयवी हैं एक दूसरे के, और इस घटना को हम कहते हैं संरचना समावयवता। और संरचना समावयवता कौन कौन से प्रकार की है उपसह संयोजक यौगिकों में, वो बात करेंगे। सबसे पहले आयनन समावयवता की बात करेंगे, या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मतलब जब दो यौगिक उनके अणु सूत्र एक जैसे हैं, दो उपसह संयोजक यौगिकों के अणु सूत्र एक जैसे हैं, पर पानी में घोलने पर उन्हें उनसे अलग अलग प्रकार के आयन हमें मिले, तो हम कहेंगे कि वे दोनों यौगिक एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं। देखो यह है समावयवता, सह संयोजक गोलक तथा आयनन समूहों या आयन के विनिमय के कारण होती है, विनिमय माने अदला बदली। एग्जाम्पल देखो आप ध्यान से, जब यह आयनों में टूटेगा ना ये, तो आपको तीन आयन मिलेंगे। एक तो मिलेगा CONH3 का होल 6 डबल पॉजिटिव आयन, और दो मिलेंगे Cl नेगेटिव आयन, तो एक तो ये वाला आयन और दो क्लोराइड, ठीक है। जबकि इसे देख लो, इसे ध्यान से देखो, इसे देखो ध्यान से, इसमें जो आयन मिलेगा जटिल आयन CONH3 का होल 5 Cl पॉजिटिव, और ये NH3Cl, मतलब बाहर वाला आयन कुछ और मिलेंगे, ठीक है। वहाँ दो Cl नेगेटिव मिले, यहाँ भी क्या दो Cl नेगेटिव आयन मिल जाएंगे, नहीं तो मतलब क्या होता है कि जब ये जो हिस्सा होता है ना बड़े ब्रैकेट वाला, ये बड़े ब्रैकेट वाला हिस्सा, इसे कहते हैं उपसह संयोजक मंडल, उपसह संयोजक मंडल कह दो या उपसह संयोजक परिसर कह दो, इतने की बात कर रहे हैं हम, इतने की। बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना ये, इसे हम कहते हैं उपसह संयोजक मंडल या उपसह संयोजक परिसर, या उपसह संयोजक परिसर ना कह के इसे कोऑर्डिनेशन स्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो और ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं आयनिक मंडल या आयनिक परिसर। भाई कुछ इसमें से बाहर चला गया और इसमें से कुछ अंदर आ गया, यदि ये अदला बदली होगी ना आपस में, तो हमें पानी में घोलने पर आयन अलग अलग तरह के मिलेंगे। देखो 6 थे यानी स्त्री अंदर, यहाँ तो 5 ही रह गए, एक तो बाहर चला गया, ब्रैकेट ये लग रहा बाहर चला गया, ये बाहर 2 Cl थे, बाहर तो एक ही रह गया, एक तो अंदर चला गया। तो यदि उपसह संयोजक मंडल और आयनिक मंडल के बीच में आयनों की अदला बदली होगी ना, तो पानी में घोलने पर आपको इन दोनों से अलग अलग तरह के आयन प्राप्त होंगे,
और इन दोनों को आप कहोगे, ऐसे जो भी यौगिक होंगे उन्हें कहोगे आयनन समावयवी है में, और इस घटना को आप कहोगे आयनन समावयवता, संरचना समावयवता है ये भी एक प्रकार की, जल योजन समावयवता या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। इसमें जो है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होगी। देखो इसमें ब्रैकेट के अंदर 6 अणु हैं, जबकि इसमें ब्रैकेट के अंदर पानी के 5 ही अणु हैं। इसमें ब्रैकेट के बाहर पानी का एक भी अणु नहीं है, इसमें ब्रैकेट के बाहर पानी का एक अणु है। तो जब उपसह संयोजक मंडल और आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग हो, इसमें 6 इसमें 5, बाहर इसमें 0 इसमें बाहर 1, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं जल योजन समावयवी, और इस घटना को हम कहते हैं जल योजन समावयवता। फिर आती है हमारी बंधनी समावयवता या लिंकेज आइसोमेरिज्म। बंधनी समावयवता वे दिखाते हैं जो उभयदंती लिगेंड हो, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था CN, कभी तो कार्बन की सहायता से जुड़ेगा ये और कभी नाइट्रोजन की सहायता से, जैसे NO2 कभी तो नाइट्रोजन की सहायता से जुड़ेगा कभी ऑक्सीजन की सहायता से। देखो एग्जांपल देख लो, उदाहरण देखो, केंद्रीय धातु परमाणु को M से लिखते हैं, मेटल एटम धातु परमाणु, मेटल एटम जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो साइनाइड जुड़ा हुआ है वो N की सहायता से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन एटम दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा केंद्रीय धातु परमाणु को, और यहाँ यहाँ कौन दे रहा, कार्बन। तो जब कोई उभयदंती लिगेंड हो या एम्बिडेंटेड लिगेंड हो और वो दो तरह के उपसह संयोजक यौगिक बना रहा हो, और दोनों उपसह संयोजक यौगिकों की खासियत ये हो कि एक यौगिक में तो दाता परमाणु कोई दूसरा था और दूसरे यौगिक में दाता परमाणु कोई दूसरा था, तो दाता परमाणु बदल लिया उसने, लिगेंड तो वो एक ही तरह का है पर अपना दाता परमाणु यहाँ तो उसने रखा नाइट्रोजन और यहाँ रखा कार्बन, तो इस तरह के जो दो यौगिक ये मिलेंगे ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम कहेंगे कि ये बंधनी समावयवी हैं एक दूसरे के, और इस घटना को कहेंगे बंधनी समावयवता। ठीक है, फिर आती है उपसह संयोजक समावयवता या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उपसह संयोजक समावयवता में क्या होता है ध्यान से समझना, यह भी एक प्रकार की संरचना समावयवता है। इसमें हमारे पास दो होते हैं उपसह संयोजक परिसर या उपसह संयोजक मंडल, और दोनों में जो लिगेंड्स हैं वे अपनी जगह बदल लेते हैं। देखो यहाँ CO के ऊपर 6 NH3 थे, यहाँ तो CO के ऊपर 6 साइनाइड है, यहाँ क्रोमियम के ऊपर 6 साइनाइड थे, यहाँ तो क्रोमियम के ऊपर NH3, यानी ये जो लिगेंड्स थे इन्होंने अपनी जगह बदल ली, इसके लिगेंड्स तो वहाँ चले गए उसके लिगेंड्स आ गए यहाँ, या तो कहो लिगेंड्स ने अपनी जगह बदल ली या तो कहो केंद्रीय धातु परमाणु ने अपनी जगह बदल ली, एक ही बात है, यही अंतर रहता है इनमें। तो ऐसे समावयवी कहलाते हैं उपसह संयोजक समावयवी या कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, और इस घटना को हम कहते हैं उपसह संयोजक समावयवता। फिर आती है हमारी दूसरी, मतलब ये चारों हमने जो समावयवता पढ़ी ना ABCD, ये चारों संरचनात्मक समावयवता के चार प्रकार थे। अब संरचनात्मक समावयवता के बाद जो दूसरी समावयवता होती है उसे कहते हैं त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो तरह की होती है, मैं तो चार तरह की थी, ये थी दो तरह की। त्रिविम समावयवता का मतलब होता है कि त्रिविम आकाश में जब दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिकों के अणुसूत्र एक जैसे हों, संरचना सूत्र भी एक जैसे हों, पर उनका त्रिविम आकाश में या विन्यास, जो त्रिविम विन्यास है वो अलग अलग तरह का होता है, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं एक दूसरे के त्रिविम समावयवी, और इस घटना को हम कहते हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता होती है दो प्रकार की, जिसमें से जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यह समावयवता केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंडों के विभिन्न ज्यामितीय वितरण के कारण उत्पन्न होती है। यह समावयवता हेटरोलेप्टिक संकर में मिलती है। ज्यामितीय समावयवी दो प्रकार के होते हैं, समपक्ष समावयवी और विपक्ष समावयवी। समपक्ष को कहते हैं सिस फॉर्म और विपक्ष को कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो दो तरह की फॉर्म है, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म आपको पता है जब सेम ग्रुप सेम साइड अटैच हो तो उसे कहते हैं सिस फॉर्म,
और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड अटैच हो तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। देखो संपक्ष समावयवी में दो लिगेंड एक दंती लिगेंड निकटवर्ती स्थान पर होते हैं, जबकि विपक्ष समावयवी में लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उदाहरण देखो इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को देखो आप, प्लेटिनम के बाद 2NH3 2Cl, प्लेटिनम के बाद 2NH3 2Cl, अणु सूत्र एक जैसे हैं पर इसमें दोनों Cl एक तरफ हैं और दोनों NH3 एक तरफ हैं, यानी सेम ग्रुप सेम साइड। सेम ग्रुप सेम साइड होता है जब ही कहते हैं समपक्ष रूप, समपक्ष यानी सिस फॉर्म। और देखो यहाँ Cl बताओ एक तरफ है क्या, दोनों Cl अपोजिट साइड है। जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो उसे कहते हैं विपक्ष समावयवी या ट्रांसफॉर्म। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म है। तो सिस फॉर्म का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड और ट्रांसफॉर्म का मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ध्यान रखना। फिर आती है प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयवता का मतलब है जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र एक जैसे हों, संरचना सूत्र एक जैसे हों और उनका त्रिविम में विन्यास भी एक जैसा हो, पर उनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार अलग अलग हो। यानी एक तो ऐसा हो जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ को घुमा दे, और एक तो यौगिक ऐसा हो जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं तरफ को घुमा देता हो। तो उन दोनों यौगिकों को हम कहते हैं कि वे एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी हैं, और इस घटना को हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वे संकुल यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो तथा जिनमें किरैल केंद्र उपस्थित हो। दर्पण प्रतिबिंब तो समझते हो, अभी समझा दूंगा। दर्पण प्रतिबिंब वैसे आपने पढ़ रखा है, और किरैल केंद्र उसे कहते हैं जो असममित केंद्र होता है। किसी भी यौगिक में एक ऐसा सेंटर या एक ऐसा कार्बन एटम या कोई ऐसा एटम जिसके चारों तरफ उपस्थित ग्रुप अलग अलग तरह के हों, वहां बैलेंस ना बन रहा हो, असममित प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। यह सामान्यतः द्विदंती लिगेंड्स युक्त अष्टफलकीय संकरों में पाई जाती है। भाई ये पॉइंट याद रखना जरूर, मतलब जो प्रकाशिक समावयवता है वो द्विदंती लिगेंड में और अष्टफलकीय संकर या संकुलों में मिलती है, या इसकी पहचान है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना, उन्होंने कोई उपसह संयोजक यौगिक दे दिया और उन्होंने पूछ लिया कि बताओ इसमें प्रकाशिक समावयवता देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप देख लेना कि उसमें कोई द्विदंती लिगेंड है या नहीं, अष्टफलकीय व्यवस्था है या नहीं है। क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे अभी थोड़ी देर में। फिर आता है संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो भाई संयोजकता आबंध सिद्धांत को तो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, यहाँ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे तो मैंने आपको समझा रखा है संयोजकता आबंध सिद्धांत। एक ये 13वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टफलकीय संकुल ज्यामिति के साथ साथ ध्रुवण समावयवता भी दर्शाते हैं। जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उनमें ज्यामितीय समावयवता भी देखने को मिलेगी आपको और ध्रुवण समावयवता भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जो अष्टफलकीय संकुल है उनमें ज्यामितीय समावयवता भी आपको देखने को मिलती है और ध्रुवण समावयवता भी। ये जो ध्रुवण समावयवता है ना बेटे, इसे प्रकाशिक समावयवता भी कहते हैं, क्योंकि समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमाते हैं ना ये यौगिक, इसलिए इसे ध्रुवण समावयवता भी कहा जाता है।
एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसे भी देख लेना ध्यान से। 14वां पॉइंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण संकुल प्रतिचुंबकीय होता है। यदि किसी संकुल में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे युग्मित हैं यानी सारे जोड़ों में हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। तथा संकुल निर्माण के लिए संकरण में यदि आंतरिक डी कक्षक यानी 3D प्रयुक्त होते हैं, तो संकुल आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न प्रचक्रण संकुल कहलाता है। ठीक है, जब संकुल बनेगा, यदि 3D वाले इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे या 3D कक्षक इस्तेमाल हो रहे, तो आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं उसे, या निम्न प्रचक्रण संकुल कहते हैं। और यदि बाहर वाले इस्तेमाल हो रहे, तो उसे कहते हैं बाह्य कक्षक संकुल या उच्च प्रचक्रण संकुल। डिस्कस कर लेंगे एग्जाम्पल में, देखो जरा इस बात को और सीख लो। अभी हमने सीखा कि यदि सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में है तो प्रतिचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, यानी जोड़ों में नहीं है एक भी इलेक्ट्रॉन, यदि अकेला है, संकुल अनुचुंबकीय होता है। तथा संकुल निर्माण के लिए संकरण में यदि बाह्य डी कक्षक यानी 4D प्रयुक्त होते हैं, तो संकुल बाह्य कक्षक या उच्च प्रचक्रण कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना इन चारों बातों का। अगला पॉइंट देख रहे, 16वां पॉइंट है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। यदि चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो ये फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, म्यू इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन। यहाँ एन का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, फार्मूले के ऊपर ध्यान रखना। चैप्टर का 17वां पॉइंट क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। भाई क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को भी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। वैसे आपको पता है इसमें कि क्या होता है, कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ लिगेंड्स आ जाते हैं, चाहे वो स्ट्रांग लिगेंड है या वीक लिगेंड, तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक होते हैं ना, वे दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विपाटन हो जाता है, T2G और EG में। ठीक है, तो अष्टफलकीय की व्यवस्था और चतुष्फलकीय के डी कक्षकों के टूटने की व्यवस्था एक दूसरे के अपोजिट होती है, जिन्हें हम आगे के ऑप्शंस में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं, हाँ चलो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को तो वहां देख लेंगे। उसके बाद आते हैं हम उपसह संयोजन यौगिकों के रंगों की व्याख्या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। बिल्कुल, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर जब हम डी कक्षकों को तोड़ेंगे ना, और उनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे T2G और EG में, यदि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो हमारा वो उपसह संयोजक यौगिक कलरफुल होगा यानी रंगीन। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हुए T2G और EG में किसी में भी, तो हमारा उपसह संयोजक यौगिक होगा रंगहीन यानी कलरलेस। बस ये बात ध्यान रखना, आप ये बात ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा एग्जाम में। 19वां पॉइंट, धातु कार्बिनलों में धातु की आक्सीकरण संख्या शून्य होती है। ध्यान रखियो, यदि धातु का कोई भी कार्बोनिल है, तो धातु की आक्सीकरण संख्या शून्य होगी। ठीक है, कार्बोनिल CO को कहते हैं, जिसमें धातु के साथ केवल CO, क्योंकि CO तो खुद उदासीन है, उदासीन लिगेंड है। धातु कार्बोनिलों में धातु तथा CO के मध्य सिग्मा के साथ साथ पाई बंध भी उपस्थित होते हैं। सिग्मा बंध तो जब बनता है जब केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक खाली पड़े हुए हों और लिगेंड के कक्षकों भरे हुए, और पाई बंध जब बनता है जब इसका उल्टा हो, यानी लिगेंड के कक्षक खाली और केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक भरे हुए। 21वां पॉइंट, उपसह संयोजन यौगिकों के आपेक्षिक स्थायित्व की तुलना स्थायित्व स्थिरांक के द्वारा की जा सकती है। किसी अभिक्रिया एम एन पॉजिटिव प्लस एन एल एक्स नेगेटिव इज इक्वल टू एम एल एन और इसके ऊपर आवेश है बी पॉजिटिव के लिए, ये फार्मूला है के का, यानी इसका कंसंट्रेशन अपॉन इन दोनों के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई। मतलब आपके पास जो जो सांद्रता है ना,
उत्पाद की सांद्रता ऊपर लिखो और अभिकारकों की नीचे कर लो सांद्रता, इससे आपको क्या मिल जाएगा, स्थायित्व स्थिरांक। ये बिल्कुल ऐसा ही फार्मूला है जैसे वेग स्थिरांक निकालते हैं। अब थोड़ा सा ये देख लो, उपसह संयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कौन कौन से हैं? एक तो गुणात्मक विश्लेषण में, धातुओं के निष्कर्षण में, उत्प्रेरक के रूप में, यौगिक के संश्लेषण में, जैविक निकायों में। चलो एनसीईआरटी के देखते हैं क्वेश्चन। ये हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस करे हैं हमने पूरा रिवीजन कर लिया, चैप्टर का फास्ट ट्रैक रिवीजन हमने कर लिया। अब हम एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसह संयोजित यौगिकों के सूत्र लिखिए। हमें सूत्र लिखने हैं इनके सूत्र। चलो सीधा क्वेश्चन उस पे आते हैं, कहाँ लिखे हुए सूत्र देखो। एक ध्यान रखनी है ये बात, जो बॉक्स में लिखी हुई होती है इसे पढ़ लेना चाहिए, ये हिंट है, बहुत काम की चीज है। पहली बात, यदि संकुल का नाम धातु से आरंभ होता है तो यह ऋणायनिक संकुल होता है, तथा यदि लिगेंड या संख्या से आरंभ होता है तो यह धनायनिक संकुल होता है। एक तो यह ध्यान रखो। दूसरी बात, धनायनिक संकुल का सूत्र इस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले धातु का प्रतीक लिख लो, फिर उसके बाद लिगेंड्स लिख दो सारे, और फिर प्रति आयन जो धातु की संयोजकता या संकुल की ऑक्सीकरण अवस्था को संतुष्ट करेंगे, वो मैं बता दूंगा कैसे। ऋणायनिक संकुल का सूत्र इस प्रकार लिखा जाता है, पहले तो धातु लिख लो, धातु की संयोजकता को संतुष्ट करने वाले प्रति आयन, यहाँ यह धातु है, ये प्रति आयन का मतलब है जो बाहर वाले आयन है, प्रति आयन, फिर धातु और फिर लिगेंड्स। यहां से तो चलो इतनी बात समझ में नहीं आने की, किसी किसी बच्चे को आई होगी, यहां से प्रैक्टिस करते हैं। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे। देखो टेट्रा माने चार हैं एमीन, तो हमने क्या काम करना है, पहले एमीन लिखने हैं चार, टेट्रा एमीन। मतलब आप इधर से लिखते चले जाओ, और बड़ा ब्रैकेट बाद में लगाना आपको, ये बाद में लगाना, पहले लिख लो सारे लिगेंड्स। टेट्रा माने चार एमीन, चार एमीन लिख दिए। डाई एक्वा, डाई माने दो हैं, एक्वा माने जल, ठीक है। कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट लिखा हुआ है ना बाद में और ब्रैकेट में थर्ड, यानी कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है, लिख दिया। थर्ड इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऊपर लिख दिया हमने यहाँ। और फिर लिखा हुआ है क्लोराइड, तो बाहर लिखना है Cl। अब सवाल यह है कि Cl कितने लिखने, दो तीन चार एक कितने लिखने, तो X लिख लिया हमने, X हम निकाल देंगे। देखो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या तीन दी इन्होंने, Ns3 0 होती है, H2O 0 होती है, और Cl की होती है -1। हमें X की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगी X की वैल्यू? देखो एक तो कोबाल्ट है तीन ऑक्सीकरण संख्या वाला, प्लस चार Ns3 हैं, चार हैं Ns3 0 वाले, दो हैं जल 0 वाले, प्लस करके दो हैं H2O 0 वाले, प्लस X हैं क्या Cl -1 वाले, और ये सारे मिला के 0 आना चाहिए, सब कुछ मिला के क्या आना चाहिए, 0। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ तीन बचा और प्लस माइनस माइनस का X बचा, ठीक है। देखो इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स उधर जाके प्लस का एक्स हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, तीन। तो इसका मतलब हमें कितने लिखने हैं, सीएल ये तीन लिखने हैं, कितने लिखने, तीन। देखो ये दे रखा उत्तर, CONH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस, बाहर सीएल कितने हैं, तीन है। देखो समझ रहे आप, तो इस तरह करना हमें भाई, हमें तो ये देखना था कि इसकी तो तीन है, इसकी 0 है, इसकी भी 0 है, तो हम बाहर जो हैं वे हमारे पास क्या हैं, Cl हैं, X पॉजिटिव, या वैसे देख लो एक ही बात है भाई, यदि इसके ऊपर एक इकाई X इकाई ऋणावेश है तो इसके ऊपर X इकाई धनावेश होगा, मैं इसकी तो वैल्यू निकालनी कर दोगे। देखो पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकिलेट सेकेंड, पोटेशियम ये लिख दिया, पोटेशियम यहाँ हमने X लिखा, देखो हमें पता ही नहीं कितने लिखने के, टेट्रासाइनो,
चार हैं, टेट्रा माने चार, साइनो माने सीएन। निकी लेट तो आना ही है, जब ऋणायनिक संकुल है तो एट तो लगना ही केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में। सेकंड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। साइनाइड का कितना होता है? माइनस वन, और इसका प्लस वन होता है। तो निकाल दोगे एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो एक्स तो हैं पोटेशियम प्लस वन वाले, प्लस एक निकिल है प्लस टू वाला, प्लस चार हैं साइनाइड माइनस वन वाले, इज इक्वल टू जीरो। बस एक्स की वैल्यू निकाल दोगे आप, एक्स प्लस टू प्लस माइनस माइनस, चार एकम चार इज इक्वल टू जीरो। माइनस के चार हैं प्लस के दो हैं, तो माइनस के दो बचेंगे, उधर जाके प्लस के दो हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू प्लस टू है, तो आपको यहाँ टू लिखना है। क्या लिखना है? टू। देखते हैं टू लिख रखा क्या के की जगह। देखो ये रहा के टू एन आई सी एन फोर, देखो के नीचे टू लिखा हुआ ना, तो ऐसे पहचान होती है कि कितने हमें बाहर वाले आयन लेने हैं, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो। इसी तरीके से बाकी भी इन्होंने बना दिए, सीधे आंसर दे दिया। आप कर ही लोगे इस काम को, तो यदि आपने चैप्टर को पढ़ रखा है तो मेन चीज़ यही आती है कि भाई सी एल के नीचे यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ एन ओ थ्री के साथ कितने होने चाहिए, एन ओ थ्री ये जो बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं ये कितने होने चाहिए, बस ये है मेन चीज़। आ जाओ चलो, एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा एनसीईआरटी के पाठ्यनीति का। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने। भाई क्या लिखने? आईयूपीएसी नाम, ये तो एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, या तो सूत्र दे देंगे उपसह संयोजक यौगिक का, जैसे कि ये दे रखा ऊपर, ये दे रखा ना, और नाम पूछ लेंगे आईयूपीएसी में। ज़्यादा चांस तो इसी क्वेश्चन के आने के होते हैं, या फिर मैं नाम देंगे आईयूपीएसी का और सूत्र आपसे पूछ लेंगे क्या होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। देखो एक मिनट, अब ठीक है। देखो देखो बेटे, हमारे पास ये है सी ओ एन एस थ्री होल सिक्स सी एल थ्री है, सी ओ एन एस थ्री होल सिक्स सी एल थ्री, इसका नाम लिखना। तो पहले तो यही नाम लिखना पड़ेगा हमें, पहले लिगेंड्स लिखो, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, यहाँ लिख दूँ क्या? बाकी तो इन्होंने लिख रखा नीचे, यहाँ लिखो हेक्सा, हेक्सा माने छः हैं, एमीन, हेक्सा एमीन छः एमीन है, कोबाल्ट, कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखने के। यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या और बाहर सीएल है तो क्लोराइड। अब यहाँ दिक्कत आती है ऑक्सीकरण संख्या की, सिर्फ हेक्सा एमीन कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन नंबर और क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना होगा? कोबाल्ट का एक्स मान लूँ क्या? तो कोबाल्ट का तो एक्स हो गया, प्लस छः है एमीन, एमीन का तो जीरो होता है क्योंकि उदासीन अणु है ना, प्लस तीन है सी एल माइनस वन वाले इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो ही हो गया। ये हो गया एक्स प्लस माइनस माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस का थ्री उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का थ्री। तो इसका मतलब यहाँ हमें थर्ड लिखना है, हमें पता चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, थर्ड है। देखो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड सीधा नाम लिखो, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कर लोगे ना इसे? ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। इसका नाम देखो, जिसका नाम है एमिनो ए से शुरू होता है क्लोराइडो सी से, तो पहले तो ए का लिखना पड़ेगा, पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यहाँ लिख के दिखा दूँ मैं आपको। ये है पांच एमीन है, तो हमने लिखा पेंटा, पेंटा एमीन क्लोराइडो, पेंटा एमीन क्लोराइडो लिख दिया, कोबाल्ट, चलो यहाँ लिख देता हूँ कोबाल्ट, मिला के लिखना चाहिए वैसे, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर, और ये बाहर क्लोराइड है, इसकी संख्या नहीं लिखनी,
सिर्फ क्लोराइड लिखना है, इसे क्लोराइडो नहीं लिखना है। क्लोराइडो ओ तो सिर्फ लिगेंड्स के नाम के बाद में आएगा जो रेनाइनिक लिगेंड होंगे, ये बाहर वाला लिगेंड तो नहीं, लिगेंड तो ये है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका एक्स मान लिया आपने, यहाँ निकालता हूँ। कोबाल्ट का एक्स है, पांच हैं एमीन जीरो वाले, एक सीएल ये है माइनस वन वाला, और दो सीएल ये हैं माइनस वन वाले, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये तो जीरो ही हो गया, एक्स प्लस माइनस माइनस वन और प्लस माइनस माइनस, दो एकम दो इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस के तीन हो गए, तो उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के तीन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है, थर्ड, थर्ड लिखना है। ये हो गया पेंटा एमीन, ठीक है। देखो पेंटा एमीन, देखो पेंटा एमीन क्लोराइडो, ये हो गया क्लोराइडो, फिर हो गया कोबाल्ट थर्ड, देखो कोबाल्ट थर्ड, और फिर हो गया क्लोराइड, ये रहा क्लोराइड। लो बताओ इस काम को कर लोगे का? ये तो बहुत जरूरी है बेटे, एग्जाम में तो आएगा ही, इसकी तो प्रैक्टिस पूरी कर लेना आप। जैसे ये है, बार बार मैं इस एग्जाम्पल को बोलते रहता हूँ, के थ्री एफ ई सी एन सिक्स, के फोर एफ ई सी एन सिक्स भी बोलता रहता हूँ। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही दोगे आप, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड, बस हो गया। इसे देखना जरा, ये तो है पोटेशियम, ये है ट्राई, तीन है ना ट्राई ऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड होगा इसका, निकाल के देख लेना, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड, कर लोगे इस काम को? ये मतलब इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे ये कर रहे, सीधा क्वेश्चन करो आप, नाम लिखो सीधा, ऑक्सीडेशन नंबर रफ कॉपी पे निकाल के देख लो। इसे देखो जरा क्या है ये, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो, इसमें बाद में क्या होगा, एट लगेगा, तो आप कह सकते हो पैलेडेट, पैलेडियम होता है ना पैलेडेट, क्लोराइडो या क्लोरो भी लिख सकते हो, पैलेडेट, ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा टू। तो देखो पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट सेकंड, बताओ कर लोगे का? इस तरह जो है आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटे, ये मतलब बिल्कुल पक्का कह रहा मैं, 100% कह रहा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फार्मूला देंगे आईयूपीएसी नाम पूछ लेंगे, या आईयूपीएसी नाम देंगे और फार्मूला पूछ लेंगे, दोनों में से एक। अब जैसे ये है, इसका नाम बताना है हमें, इसमें आपके पास प्लेटिनम तो केंद्रीय धातु परमाणु है और रासायनिक संकुल है क्योंकि ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले है, तो प्लेटिनम ही लिखा जाएगा। पहले देखो ये तो है हमारे पास इथाइल एमीन, ये क्लोराइडो है और ये एमीन है, एमीन क्लोराइडो इथाइल एमीन, ठीक है। यहां जो है ना ये NH2 गलत छप रहा है थोड़ा, ये भी NH2 ही है यहाँ, ये मिस प्रिंटिंग हो रही, तो ये भी आपका जो है फिर एमीन होगा ये भी, ठीक है। नहीं ये तो ये है दो एमीन, तो ये मिस प्रिंटिंग नहीं है, ये मिथाइल एमीन ही है, देखो CH3 मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, तो इसे तो आप M से लिखोगे, ये क्लोराइडो C से और ये है एमीन, तो ACM ऐसे ही लिखना, डाई एमीन क्लोराइडो मिथाइल एमीन, देखो कहीं लिखा हुआ क्या, ये रहा डाई एमीन क्लोराइडो और मिथाइल एमीन, ब्रैकेट में लिखा मिथाइल एमीन क्योंकि ये बड़ा सा नाम है ना, कभी सोचे मिथाइल अलग है और एमीन अलग है, एक ही है पूरा लिगेंड ये, और ये होगा प्लेटिनम, ये प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लोगे आप, भाई इसका जीरो है, इसका जीरो है, एक तो माइनस वन तो इसका है, माइनस वन इसका, माइनस टू को ख़त्म करने के लिए प्लस टू होगा इसका, तो इसलिए यहाँ सेकंड है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक अकेला क्लोराइड है, ये लिख दिया क्लोराइड, डाई एमीन क्लोराइडो मिथाइल एमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। प्रैक्टिस इसकी मैंने बहुत करवा रखी है फ्रेश लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा, तो मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला है
एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आना है, जरूर लिख के रख लो इस बात को। मतलब वे उपसह संयोजक यौगिक का सूत्र देंगे और आईयूपीएसी नाम आपसे पूछेंगे, या फिर इसका जस्ट अपोजिट कि वे आईयूपीएसी नाम देंगे और सूत्र आपसे पूछ लेंगे। दोनों तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए जरूर, बिल्कुल हर एक हालत में। तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, निम्नलिखित संकुलों द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार बताइए तथा इन समावयवों की संरचनाएं बनाइए। देखो एक बात मैं बताता हूँ, देखो जैसे ये है क्वेश्चन आ गया एग्जाम में यही कि बताओ कौन सी समावयवता दिखाएगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर समझ में ही नहीं आ रहा, हम कैसे पहचानने कि कौन सी समावयवता दिखाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा सर, ये नहीं समझ में आ रहा, समझ में कैसे आएगा। देखो अभी मैंने हालांकि बीच में बताया था आपको, फिर दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से देखना, हिंट है बहुत बढ़िया। देखो ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये है एक दंतुक लिगेंड, ये द्विदंतुक लिगेंड है। यदि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो तो हो एक दंतुक लिगेंड और दो हो द्विदंतुक लिगेंड, ठीक है, या फिर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो तो एक दंतुक लिगेंड अलग अलग तरह के हों और द्विदंतुक हों दो एक जैसे, जहां एम का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु है, ए बी सी एक दंतुर लिगेंड तथा ए ए द्विदंतुर लिगेंड है, तो इस प्रकार के संकुल ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। ज्यामितीय समावयवता वो होती है जिसे आप सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म कहते हो, समपक्ष और विपक्ष रूप। ध्यान रखना कि यदि दो तो हैं मोनोडेंटेट लिगेंड और दो हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, तो ज्यामितीय समावयवता देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, यदि ऐसा हो, ठीक है, बिल्कुल सेम केस है देखो, और यह तीनों के तीनों एक जैसे हैं लिगेंड, ये तीनों एक जैसे हैं और बाइडेंटेट हैं, तो ये दिखाएंगे ध्रुवण समावयवता, जिसे आप प्रकाशिक समावयवता भी कहते हो, डी फॉर्म और एल फॉर्म, ठीक है। और यदि उभयदंती लिगेंड है जैसे NO2 SCN वाले संकुल बंधनी समावयवता दर्शाते हैं, कि कभी तो नाइट्रोजन की हेल्प से जुड़ गया, कभी ऑक्सीजन की, कभी तो सल्फर की, कभी तो कार्बन की, ठीक है, बस ये पहचान करने का तरीका है। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, ज्यामितीय समावयवता ये और ये दिखा सकता है, प्रकाशिक समावयवता ये और ये दिखा सकते हैं, और जो उभयदंती लिगेंड वाले NO2 SCN वाले या CN वाले में दिखा सकते हैं बंधनी समावयवता। कर लोगे पहचान? देखो अब जरा इसे देखो, पहले को देखो, इसमें आप देख रहे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मोनोडेंटेट है और दो बाइडेंटेट है, तो पक्की बात है ज्यामितीय समावयवता दिखाएगा वो, ठीक है, क्या दिखाएगा? ज्यामितीय समावयवता। ये ऑक्सीलेटों को C2O4 से भी और OX से भी लिख सकते हैं, ज्यामितीय समावयवता दिखाएगा। देखो यहां देखो CR, दोनों H2O एक तरफ, दोनों ऑक्सीलेटो एक तरफ, ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड, तो समपक्ष रूप ही तो होगा, सिस फॉर्म। और यहां देखो दोनों H2O अपोजिट, दोनों ऑक्सीलेटो अपोजिट, विपक्ष रूप है, ट्रांसफॉर्म है, क्या है? विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म, क्लियर। अच्छा चलो दूसरा देखते हैं इसका पार्ट। ये जो है अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे समावयवी क्या दिखा सकते हैं, प्रकाशिक समावयवता भी दिखा सकते हैं। देखो अब यहां जब देखोगे आप, ये दोनों सिस फॉर्म ही है, ये भी सिस फॉर्म है और ये भी सिस फॉर्म है। अब आप कहोगे कि सर कैसे? देखो दोनों ऑक्सीलेटो एक तरफ है, दोनों H2O एक तरफ, दोनों ऑक्सीलेट एक तरफ, दोनों H2O एक तरफ है, तो दोनों सिस फॉर्म, पर इन सिस फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके दोनों ऑक्सीलेट इधर हैं और इसके इधर हैं, तो यदि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाई तरफ को घुमा रहा है यानी डी फॉर्म है, तो ये बाई तरफ को घुमाएगा, ये होगा एल फॉर्म, क्या होगा? एल फॉर्म होगा। तो यदि दो बाइडेंटेट लिगेंड और दो मोनोडेंटेट लिगेंड हो, टोटल चार लिगेंड हो, तो ऐसा उपसह संयोजक यौगिक ज्यामितीय समावयवता भी दिखा सकता है और प्रकाशिक समावयवता भी दिखा सकता है। ध्यान रखना यदि ये डी फॉर्म है तो वो एल फॉर्म होगा। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पर इसी के, इसे देखो पहचानो। देखो केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर तीनों लिगेंड्स एक जैसे हैं और तीनों क्या हैं? बाइडेंटेट हैं, तो ये ज्यामितीय समावयवता तो दिखा नहीं सकता, पक्की बात है, क्योंकि ज्यामितीय समावयवता में सेम ग्रुप सेम साइड और सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, यानी दो तरह के ग्रुप्स तो चाहिए ही कम से कम, यहाँ तो तीनों ही ग्रुप एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं,
तो पक्की बात है ज्यामितीय समावयवता तो ये दिखाएगा नहीं, ये दिखाएगा प्रकाशिक समावयवता, और प्रकाशिक समावयवता को ही हम ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं। या तो प्रकाशिक समावयवता कह दो या ध्रुवण समावयवता कह दो। आप देखो यहां, देखो एक लेफ्ट में दो राइट में, और यहां दो लेफ्ट में एक राइट में, समझ रहे? बस इतना ध्यान रखो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। इस टाइम रिवीजन चल रहा, गहराई में मैं आपको लेके गया था फ्रेश वीडियोस में। तो यदि ये डी फॉर्म है ना, तो ये एल फॉर्म होगा, ये डी फॉर्म है तो वो एल फॉर्म होगा। यदि इनमें से एक समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं तरफ को घुमाएगा तो दूसरा दाईं तरफ को घुमाएगा। बताओ पहचान कर लोगे क्या? इसे देखो CONH3O5NO2 और NO3 2। मतलब इसमें क्या हो रहा कि पांचों NH3 अंदर हैं और दो NO3 बाहर हैं और एक NO2 अंदर है। इसमें ये बाहर निकल सकते हैं, बाहर वाले अंदर आ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं चल रहा है इसमें। इसमें ज्यामितीय समावयवता नहीं होती, इसमें प्रकाशिक समावयवता नहीं देखने को मिलेगी। बस इसका एक बात ध्यान रखनी कि इसमें आयनों की अदला बदली हो सके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, जिसकी वजह से पानी में घुलने पर अलग अलग प्रकार के आयन हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आयनन समावयवता दिखाएंगे, और आयनन समावयवता में एक तो हमने ज्यों का त्यों बना दिया, और दूसरे में देखो अदला बदली क्या करी। NO3 ये दो थे बाहर, एक अंदर ले गया हम NO3 को, और बाहर इसे निकाल दिया हमने, NO2 एक बाहर आ गया, NO3 आ गया, हो गया अदला बदली। ठीक है, बस यही बनाने, नीचे ये नहीं दिखाना कि पानी में घोलने पर क्या क्या प्राप्त हुआ, वो तो पता ही है आपको। जब आप इसे पानी में घोल दोगे तो दो बनेंगे, NO3- और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। और जब इसे पानी में घोल दोगे तो दो बनेंगे, एक तो NO2-, एक NO3-, और एक बनेगा, इसमें तीन आयन मिलेंगे, उसमें दो मतलब आयन तो उसमें भी तीन ही मिलेंगे, पर दो तरह के, इसमें तीन तरह के आयन मिलेंगे। ठीक है, NO2- और NO3- दोनों तरह के मिलेंगे। कर लोगे पहचान? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन। देखो जरा यहां, देखो प्लेटिनम NH3H2O और Cl2 दो एक जैसे हैं लिगेंड। देखो दो एक जैसे लिगेंड तो पक्की बात है, दोनों एक तरफ हो गए तो सिस फॉर्म, और दोनों ऑपोजिट चले गए तो ट्रांसफॉर्म। देखो दोनों Cl सेम साइड आ गए तो कौन सा, संपक्ष रूप या सिस फॉर्म, और दोनों Cl चले गए अपोजिट तो विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म, है ना? इस तरह पहचान करनी चाहिए आपको, पहचानना आना चाहिए कि जो भी आपको उपसह संयोजक यौगिक दिया गया है वो उपसह संयोजक यौगिक कौन सी समावयवता दिखा सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसका प्रमाण दीजिए कि CONH3O5ClSO4 तथा CONH3O5SO4Cl आयनन समावयव हैं। यहां लगना चाहिए था फिर ब्रैकेट, इसमें यहां ये छूट गया इनका ब्रैकेट। भाई आयनन समावयवी है, इस चीज का सबूत देना आपको। इसमें तो SO4 बाहर है और इसमें Cl बाहर है। आपको पता पानी में घोल लोगे तो सल्फेट आयन मिलेंगे इस जटिल आयन के साथ, और इसमें क्लोराइड आयन मिलेंगे जटिल आयन के साथ। पर आप इसे किस तरीके से सबूत क्या दे सकते हो कि हाँ भाई सल्फेट आयन बने थे या क्लोराइड आयन बने थे? तो आपको रिएक्शन इसका और इसका रिएक्शन करा के देखना पड़ेगा किसी एक पदार्थ से। देखो कैसे मैं बताता हूं, दोनों यौगिक अलग अलग परखनली में ले लो, दोनों यौगिकों को दो अलग अलग परखनली में जल में घोलने लेंगे तथा दोनों के लिए निम्न प्रेक्षण करेंगे। पहला प्रैक्टिकल तो यह है कि BaCl2 से रिएक्शन कराएंगे हम, तो BaCl2 से जब आप रिएक्शन कराओगे ना बेरियम क्लोराइड से, देखो यहां देखो ये था हमारा पहला यौगिक CONH3O5ClSO4। जब ये बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा ना, तो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करने से क्या होगा, ये बनेगा बेरियम सल्फेट, और SO4 की जगह दोनों क्या आ जाएंगे, Cl। तो देखो SO4 की जगह दोनों Cl आ गए, बेरियम सल्फेट सफेद अवक्षेप बना। तो जब हम इसका रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कर रहे तो हमें बेरियम सल्फेट का हमें सफेद अवक्षेप मिल गया। इससे पता चल गया कि हाँ भाई बाहर SO4 आयन था, क्योंकि बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ सल्फेट ही तो होगा बाहर ब्रैकेट के, तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप मिला। अब यदि वो जो इसका भाई था दूसरा, इसका आयनन समावयवी ये था, देखो दिखाई दे रहा क्या आपको, ज्यादा वो हो गया, चलो मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा जिससे आप सही देख पाओ।
अब इसे देखो, रिएक्शन को इसे देखो, ये इसका भाई था सी ओ एन एस थ्री होल फाइव एस ओ फोर, इसमें बाहर क्या था सी एल, क्या था बाहर सी एल, इसका भी बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करो। अब मुझे ये बताओ सी एल सी एल को हटा देगा क्या अपने भाई को? हटा ही नहीं सकता, ये बेरियम क्लोराइड है यहाँ भी बनेगा तो बेरियम क्लोराइड ही बनेगा, कुछ भी नहीं फायदा है। तो यहाँ रिएक्शन, यहाँ सफ़ेद दबक शेप आपको मिलने का ही नहीं है। इससे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये आयनन समावयवी है, वहाँ तो बाहर सल्फेट था यहाँ बाहर क्लोराइड है, यहाँ नहीं रिएक्शन होने की। अच्छा एक तरीका और भी है, देखो बताऊँ आपको, एक तरीका ये है, दूसरा टेस्ट ये है, देखो ये रिएक्शन ठीक है, लैंग्वेज देख लेना जो मैं समझा रहा वही लिखी हुई है लैंग्वेज। दूसरा टेस्ट ये है कि सी ओ एन एस थ्री होल फाइव एस ओ फोर और बाहर सी एल है, यदि सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराओ तो पक्की बात है नाइट्रेट यहाँ से इसे सी एल को धक्का दे देगा, दे दिया धक्का, अब बन गया आपके पास ए जी सी एल और ए जी सी एल का सफ़ेद दबक शेप बनेगा। तो पहला वाला यौगिक तो बेरियम क्लोराइड के साथ सफ़ेद दबक शेप दे रहा और दूसरा यौगिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ सफ़ेद दबक शेप दे रहा। अब वो पहले वाला यौगिक जो है जिसमें एस ओ फोर बाहर था, यदि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कोई रिएक्शन होने की नहीं है, तो सफ़ेद दबक शेप बनने का ही नहीं है। तो इससे पता चला कि हाँ भाई दोनों जो है ना ये दोनों अलग अलग तरह के हैं, मतलब आयनन समावयवी हैं एक दूसरे के हैं। क्या हैं? आयनन समावयवी। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखो दिखाई दे रहा क्या बोर्ड पर? सही, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की। पांचवा क्वेश्चन है, संयोजकता अबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाला एन आई सी एन फोर माइनस टू आयन प्रति चुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला एन आई सी एल फोर माइनस टू आयन अनुचुंबकीय है। वो तो प्रतिचुंबकीय है, यह अनुचुंबकीय है। अभी करेंगे सिद्ध, देखो इसे अभी सिद्ध करेंगे, यहां से करते हैं। चलो यहां से आप बस ध्यान से समझते रहना हर एक चीज को, बिल्कुल ध्यान से देखो, एन आई सी एन फोर माइनस टू इस आयन के बारे में बात कर रहे, हमें पता है निकिल के पास 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 28 इलेक्ट्रॉन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे ना तो बाहरी कक्षा आएगी 3d8 4s2, 3d8 4s2। तो Ni का बाहरी विन्यास 3d8 4s2, d में पांच कक्षक, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s में दो हैं और 4p खाली है। हमें पता है कि जब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर Ni का निकाल लोगे तो +2 आएगा निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि चार ये माइनस के उधर जाके चार प्लस के हो जाएंगे, चार तो प्लस के और दो माइनस के पड़े हुए तो प्लस के दो ही तो बैठेगा निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर। तो Ni प्लस टू आयन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो एस में थे ये उड़ जाएंगे यहाँ से, तो देखो 4s2 का 4s0 बॉक्स में से खत्म, ये व्यवस्था बनी 3d8 की। अब आपको बताया कि इस Ni डबल पॉजिटिव की ये व्यवस्था है 3d8 और इसमें चार क्या जुड़ने हैं, ये चार Cn नेगेटिव, तो जो सी एन नेगेटिव है ना बेटे, सी एन नेगेटिव, सी एन नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड या साइनो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड, और प्रबल लिगेंड की खासियत ये होती है कि वो जब आएगा ना, देखो सी एन नेगेटिव प्रबल अक्षेत्र लिगेंड होने के कारण धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है, डी इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, युग्मन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग पड़े थे, जब 6 Cn नेगेटिव आयन आए उन्होंने कहा हमारे लिए जगह खाली करो, तो इस वाले को मजबूरी में यहाँ जाना पड़ा, देखो यहाँ आ गया, तो ये वाला तो खाली हो गया पूरा, ये तो खाली हो गया, ये इसमें दो क्रॉस बना रखे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये क्या है, ये है सी एन नेगेटिव आयन, क्या है सी एन नेगेटिव आयन, ये 4 Cn नेगेटिव आयन हो गए, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन भर दिए इनमें खाली कक्षकों में, किसके हैं खाली कक्षक, धातु के हैं। आपको बताए लिगेंड्स एक एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षकों में ही तो देगा, इसीलिए तो उपसह संयोजक बंध बनेगा, ये आ गए हाँ। और जब यहाँ आए तो ये डी कौन सा है, अंदर वाला डी है 3d, डी एस पी टू, देखो डी तो ये है, एक एस कक्षक है दो पी के हैं, तो संकरण हुआ डी एस पी टू संकरण, और जिसकी संरचना वर्ग समतलीय होती है, डी एस पी टू संकरण जिसकी संरचना क्या होती है, वर्ग समतलीय। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो सी एन आया ना वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
उसने ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे ना, इन्हें इकट्ठा कर दिया, मेरे लिए जगह खाली करवाई उसने अपने लिए, और ये DSP2 संकरण की वजह से वर्ग समतलीय संरचना हमें प्राप्त हुई। जबकि जबकि इस केस में देखना जरा, इस केस में देखो, ये था निकिल का बाहरी विन्यास 3D8 4S2। देखो 3D8 है 8 इलेक्ट्रॉन, 4S2। Ni डबल पॉजिटिव आयन का देखा, 3D8 बच गया, वो खत्म। चारों तरफ कौन आए, Cl नेगेटिव लिगेंड, जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हैं, दुर्बल हैं वही, उन्हीं कहने की भाई हमारे लिए जगह खाली करो, वे तो कहेंगे कि भाई जहाँ तुम जगह दे रहे हो वहाँ रह लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपस में जोड़े नहीं बनाने के हैं, जो के तो पड़े रहे। तो जो चार Cl नेगेटिव आए ना, नेगेटिव आयन चार आए Cl, उन्हें यहाँ आना पड़ा। ये क्या है, S, और ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है, तो संकरण क्या हुआ, sp3 संकरण। और सबको पता है sp3 संकरण की आकृति होती है चतुष्फलकीय, तो ये चतुष्फलकीय संरचना ही प्राप्त हुई हमें। तो ये है रीजन, समझ में आई बात। मतलब यहाँ जो है केंद्रीय धातु परमाणु, तो दोनों केस में केंद्रीय धातु परमाणु तो Ni था, या केंद्रीय धातु आयन तो Ni डबल पॉजिटिव ही था, पर एक बार तो इसके ऊपर हमला करने आ रहे थे Cn नेगेटिव आयन, और एक बार इसके ऊपर हमला करने आ रहे थे Cl नेगेटिव आयन। अब इन दोनों में से जो Cn नेगेटिव आयन था वो तो है था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल लिगेंड था, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, उसने तो इसके इलेक्ट्रॉन के जो अकेले अकेले पड़े थे उनके जोड़े बनवा दिए थे, इसलिए वो DSP2 संकरण दिखाया था उसने, और समतलीय संरचना थी वर्ग समतलीय। जबकि Cl नेगेटिव आयन जो है वो Cl नेगेटिव यानी क्लोराइडो लिगेंड एक वीक फील्ड लिगेंड है, यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, उसमें हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करके एक ही चारपाई पर ले आवे और जोड़े बना दे, और अपने आप यहाँ ये वाला कक्षक भी खाली करवा के इसे भी इस्तेमाल करें। उन्हें तो sp3 संकरण ही दिखाया, और sp3 संकरण की आकृति चतुष्फलकीय ही होती है, इसलिए मैं पूछ रहे थे कि NiCN4 वर्ग समतलीय है और NiCl4 कैसा है, चतुष्फलकीय क्यों है। कारण यही है कि जो हमारा लिगेंड है उस लिगेंड की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है बेटे, लिगेंड की नेचर कैसी है इस बात पर डिपेंड करता है। चलो इस क्वेश्चन को देखो। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन है, NiCl42 तथा NiCO4 दोनों चतुष्फलकीय हैं, परंतु NiCl42 अनुचुंबकीय तथा NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, क्यों। भाई अनुचुंबकीय वो होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होंगे, और प्रतिचुंबकीय वो होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, सीधी बात है। तो जब आप देखते हो Ni का परमाणु का बाहरी विन्यास 3D8 4S2, याद रख लेना इसे, ये 3D8 4S2 लिख दिया हमने, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए डी में और 2 भर दिए एस में, Ni डबल पॉजिटिव आयन, ये 2 निकल के भाग गए यहां से, 3D8 4S0 हो गया। अब इसके पास कौन आए, इसके पास आए चार Cl नेगेटिव आयन। अब Cl पता दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, इन्हें दोनों को कहने के ही नहीं कि तुम इकट्ठे हो जाओ, अपना sp3 संकरण दिखाएंगे, खाली पड़े हुए कक्षकों को ही इस्तेमाल करेंगे, और जब खाली पड़े हुए कक्षकों को इस्तेमाल करा तो इन दोनों के जोड़े नहीं बने, और ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जब दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, कि यदि किसी भी ऐसी संरचना में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो हम कहते हैं कि वो अनुचुंबकीय है, इसलिए हमारा जो कंपाउंड है ना बेटे NiCl4 NiCl4 -2 आयन जो भी है यो, ये कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है, क्योंकि उसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इनके जोड़े कौन नहीं बनवा सका, इनके जोड़े नहीं बनवा सका Cl नेगेटिव वाला लिगेंड जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड था। यदि यहाँ प्रबल क्षेत्र लिगेंड आता दोनों को धक्का देके यहाँ जोड़े बनवाता, इस वाले कक्षक को भी इस्तेमाल करता खाली करवा के, और फिर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होता इसमें, और ये हो जाता कैसा, प्रतिचुंबकीय है। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही केस है, अंतर ये है कि यहाँ जो है ना, यहाँ कौन आ रहा, यहाँ CO आ रहा, CO कौन आ रहा, CO, और उसने इलेक्ट्रॉनों को कह दिया भाई क्या करो, CO के ऊपर कोई आवेश नहीं है, देखो यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ क्या इसे, देखो
3D8 4S2, तो 3D8 ये हो गया, 4S2 ये हो गया, आवेश कोई है नहीं जो इलेक्ट्रॉन निकाल लें। अब CO आया, CO ने कहा कि भाई जगह खाली करो, इन इनके यहाँ जोड़े बन गए और ये यहाँ आ गया, तो संकरण तो इसमें भी sp3 है, चतुष्फलकीय संरचना है, पर इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो अकेला हो, सारे जोड़ों में है, और सारे जोड़ों में है तो कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, कैसा है, प्रतिचुंबकीय। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना बस आप, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या है, क्वेश्चन है Fe2H6+3 प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि FeCN6-3 दुर्बल अनुचुंबकीय है, समझाइए भाई। जब आप इनका, ये जो हम कर रहे हैं ना, इसे ही कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि पहले तो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, धातु परमाणु का, फिर उसके बाद धातु आयन का लिख लो, और फिर उसमें देख लो कि जब लिगेंड आए तो लिगेंड कैसा आया, उसने इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठे कर दिया, जोड़े बना दिए या नहीं बना दिए, यदि जोड़े बना दिए तो प्रतिचुंबकीय होगा और यदि नहीं बना दिए तो अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा अनुचुंबकीय होगा वो। अब ये यूँ कह रहे कि Fe2H6+3 प्रबल अनुचुंबकीय है, प्रबल अनुचुंबकीय यूँ है क्योंकि उसमें ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ जो है ना H2O दुर्बल है, वो इकट्ठे नहीं कर पाया, और ये CN है प्रबल, इसने इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बना दिए होंगे। देखो दिखाता हूँ आपको, जब आया कौन सा था लिगेंड, H2O, तो वो जोड़े नहीं बनवा पाया, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े रहे हैं सारे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे तो प्रबल अनुचुंबकीय होगा, और जब CN आया साइनाइड, तो इसने सबके जितने जोड़े बनते, 1 2 3 4 5, पांच में से चार के तो जोड़े बनी गए, एक ही तो रहा है अयुग्मित, और एक अयुग्मित रहा तो एक की वजह से अनुचुंबकीय तो होगा, पर इतना ज्यादा अनुचुंबकीय नहीं होने का, दुर्बल अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। चलो अगला देखो, 8वां क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ये लिखकर समझाइए कि CONH3O6+3 एक आंतरिक कक्षक संकुल है भाई। जब यहां आंतरिक कक्षक संकुल उसे कहते हैं जिसमें 3D के कक्षक इस्तेमाल हो जाएं। देखो कितने थे, 1 2 3 4 जोड़े बनवा दिए इनके, देखो ठीक है, और अंदर के 3D के इस्तेमाल हुए, D2SP3, D2, D के कितने हो रहे इस्तेमाल, दो, ये लिखा हुआ नीचे D2SP3 संकरण है, तो अंदर वाले D इस्तेमाल हो रहे, तो हम कह रहे हैं आंतरिक कक्षक संकुल है, और NiNH3O6+2 इसमें बाहर वाले इस्तेमाल हो रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, बाह्य कक्षक संकुल है। जब इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा तो देखो इसमें क्या हो रहा, इसमें इनका जोड़ा ही नहीं बना, तो बाहर वाले इस्तेमाल हो रहे, SP3D2 ही है ये भी, SP3D2, वो D2SP3 था, तो ये बाह्य कक्षक संकुल हुआ, क्या हुआ, बाह्य कक्षक संकुल। चलो अगला देखो, 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, वर्ग समतलीय PtCN4-2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। बिल्कुल बता देंगे, हर जगह VBT लग रही, हर जगह VBT, तो VBT का इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए जरूर, हर हर हालत में आना चाहिए। PtCN4-2, तो पहले तो प्लेटिनम का देखो, प्लेटिनम का 5D9 6S1, प्लेटिनम के ऊपर दो इकाई धनावेश है, तो 6S0 हो गया, एस के गए, ये स्थिति है। चार साइनाइड आ गए, सारी दुनिया को पता साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसे धक्का दे के यहाँ पहुंचावेगा, इसे खाली करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन भरेगा, यहाँ देखो DSP2 संकरण है, और DSP2 संकरण है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी थी, बताओ है क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सारे जोड़ों में, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जीरो। ठीक है बेटे, अगला, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को प्रयुक्त करते हुए समझाइए। अब तक जितने क्वेश्चन हमने करे ये थे
संयोजकता आबंध सिद्धांत के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के करने आने चाहिए जरूर, जितने क्वेश्चन अभी हमने करे। क्रिस्टल अक्षेत्र सिद्धांत को प्रयुक्त करते हुए समझाइए कि कैसे हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन, जबकि हेक्सा साइनो आयन में केवल एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को प्रयुक्त करते हुए समझाइए कि कैसे हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसमें अयुग्मित है और इसमें केवल एक ही है। सीधी बात है, सीधी बात है। देखो यहां, देखो अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करेंगे। हम इस क्वेश्चन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी कर सकते थे, पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से इन्होंने पूछा हमारे से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक चीज ध्यान रखनी है, देखो Mn मैग्नीज सेकेंड आयन है, तो यदि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो, पांच इलेक्ट्रॉन उसमें d में है, d कक्षक में पांच इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है, d5 बैठ रहा, 3d5 ये लिखा हुआ है, 3d5। तो जब इस ये टूटता है ना, तो t2g और eg में टूटता है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच है, और हमारे पास लिगेंड क्या है, h2o, जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। यदि यहां साइनाइड होता ना, तो साइनाइड कहता जोड़े बना लो भाई, नीचे आ जाओ। यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है ना, तो वो यहीं मजबूर कर देता है, जोड़े बनाओ भाई, पहले नीचे के जोड़े बना लो पूरे जितने बनते हो, फिर ऊपर भरना। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो जैसे H2O एक्वा, तो उसे कहना कि भाई जहां मर्जी है वहां भरो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समान ऊर्जा वाले डी कक्षक को कहते हैं अपभ्रंश कक्षक, और अष्टफलकीय दुर्बल क्षेत्र की उपस्थिति में विपाटन हुआ इसका, यानी तीन नीचे गए और दो ऊपर गए। प्रबल होता तो ये नीचे दो के जोड़े बन तो जाते, कम से कम दो के तो जोड़े बन ही जाते। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4 5 हुए, कितने हुए, पांच। अब देखो एक चीज दिखाऊं, यहां देखो, यहां यदि साइनाइड आ गया तो क्या होगा, साइनाइड आ गया तो ये होगा, अब भ्रंश डी कक्षक है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहेगा कि पांचों जोड़े बनाओ पहले जितने बनते हो, कम ऊर्जा वाले में जोड़े बना लो, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक होगा यदि साइनाइड आ गया। कौन आ गया, साइनाइड, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक होगा। इसीलिए हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि यदि आप देखते हो हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड, इसमें तो है एक्वा, और हेक्सा साइनो आयन यहाँ है साइनाइड, तो वहां तो H2O है जो दुर्बल लिगेंड है, और यहाँ साइनाइड है जो प्रबल लिगेंड है। इसने जोड़े बनवा दिए और इसने नहीं बनवा पाया, इसलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पांच थे और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही है। एक बार दोबारा देख लो आप, देखो देखो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पांच, जबकि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ एक है अयुग्मित। सिर्फ लिगेंड का कमाल है कि लिगेंड कौन था, लिगेंड का कमाल है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है, इसे देख लेना, सीधा फार्मूले के ऊपर है, ठीक है। CuNH3 का होल 4+2 संकुल आयन के B β4 का मान इतना है, इस संकुल के समग्र वियोजन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। तो समग्र संकुल वियोजन साम्य स्थिरांक 1/β4, β4 इन्होंने दे रखा भाई, 10 की घात + 13 ऊपर जाके -13 हो जाएगी, डिवाइड करके इतना हो जाएगा, ठीक है। तो कर ही लोगे काम, चलो आ जाओ। अब NCERT के पाठ्य नीति तो हमारे पूरे हो गए, अब आते हैं, ये तो वही आ गया दोबारे, 11वां क्वेश्चन बता दिया ना, NCERT के अभ्यास प्रश्न पर आते हैं, चलो NCERT की एक्सरसाइज पर आते हैं, तेजी से करेंगे। NCERT की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वर्नर की अभिधारणाओं के आधार पर उपसह संयोजन यौगिकों में आबंध को समझाइए। भाई वर्नर ने तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया, वर्नर ने बताया था कि किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो दो प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है, एक तो प्राथमिक संयोजकता जो बड़े ब्रैकेट के बाहर होती है, जो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है,
जिसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जो पानी में घुल के आयनों में टूट जाती है। और एक होती है द्वितीयक संयोजकता, जो लिगेंड्स द्वारा संतुष्ट होती है और वो मजबूत होती है, रेगुलर लाइन से दिखाते हैं। जो प्राथमिक संयोजकता है उसकी कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होती, यानी वो होती है अदिशात्मक, जबकि द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है। ठीक है, देखो वर्नर का सिद्धांत, इसकी पहली अभिधारणा, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है उपसह संयोजक यौगिक में धातुएं दो प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयननीय होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयोजकताएं अन आयनीय होती हैं, क्योंकि वो तो अंदर वाले आए हैं बॉन्ड, वो तो उपसह संयोजक बंधे। ये उदासीन अणु अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं, अब तो धनायनों द्वारा भी होती हैं संतुष्ट। द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती हैं तथा इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है, जिसे हम कहते हैं उपसह संयोजन संख्या। धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन या समूह विभिन्न उपसह संयोजन संख्या के अनुरूप दिक् स्थान से विशिष्ट रूप में व्यवस्थित रहते हैं। दिक् स्थान का मतलब त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति आकृति में होंगे लिगेंड सारे, उदाहरण CO(CL2NH3)4Cl-। तो वो जो Cl है बाहर वाला, उसे तो तुम कहीं भी जोड़ देना, ठीक है, उसे कहीं भी जोड़ देना। ये सारे के सारे जो जुड़े हुए हैं ना भाई, कितने, चार तो हैं NH3, 1 2 3 4, ये चार NH3 और 2 Cl, ये जुड़े हुए बेटे द्वितीयक संयोजकताओं से, मजबूत बॉन्ड से। और ये यहां लिखना चाहिए था प्राथमिक संयोजकता, ये तो कभी भी टूट के भाग सकता है ये बाहर वाला, तो पानी में घुलते ही, पर ये नहीं टूट के भागने के। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई सा भी एक एग्जाम्पल, ठीक है। चलो FeSO4 विलयन तथा NH4 का होल ट्वाइस SO4 विलयन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण एफ ई डबल पॉजिटिव आयन का परीक्षण देता है। अच्छा ठीक है, परंतु कॉपर सल्फेट व जलीय अमोनिया का 1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण सीयू डबल पॉजिटिव आयनों का परीक्षण नहीं देता है, समझाइए क्यों? भाई पहली बार में तो फेरस अमोनियम सल्फेट बन गया था, जो एक द्विक लवण है। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट जब आपस में मिलते हैं ना, तो फेरस अमोनियम सल्फेट बनता है, जिसे मोर लवण आप कहते हो। और वो जो फेरस अमोनियम सल्फेट है वो द्विक लवण है, डबल साल्ट है, और डबल साल्ट पानी में घुलते ही सब अपनी पहचान खो देगा, ये तो एफ ई डबल पॉजिटिव आयन का टेस्ट देगा। जबकि जब कॉपर सल्फेट और अमोनिया को मिलाओगे आपस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक उपसह संयोजक यौगिक बनेगा जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु तो कॉपर होगा, और जलीय अमोनिया है ना, अमोनिया लिगेंड्स का काम करेगी और सल्फेट निकल जाएगा बाहर ऋणायन के रूप में, बाहर वाले आयनिक परिसर में। उससे क्या होगा कि जब भी आप इसे पानी में या कहीं रिएक्शन में हिस्सा दोगे, तो वो तो संकुल आयन है, वो तो कॉपर तो फिक्स हो गया अंदर, वो तो टेस्ट देने का ही नहीं सीयू डबल पॉजिटिव आयन का। समझ रहे ना आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा, देखो मैं क्या कह रहा, यहां जो है फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट जब आपस में मिल गए, तो फेरस अमोनियम सल्फेट बन गया मोहल लवण। ये तो जब फेरस अमोनियम सल्फेट को आप पानी में घोल दोगे ना, तो ये तो एफ ई सारे सरल आयनों में टूट जाएगा, तो इसका तो टेस्ट देगा ही, फिर वो देगा ही टेस्ट। पर यदि आपने ऐसा करा, यदि आपने ऐसा करा कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन और अमोनिया के जलीय विलयन को मिला दिया, तो ये आपका एक संकुल आयन बन गया, संकुल यौगिक बन गया, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। और आप इसे जो है पानी में घोलते रहो, पानी में घुल के क्या है, सी यू डबल पॉजिटिव आयन थोड़ा ही दे देगा, पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा एक सल्फेट आयन, तो सी यू डबल पॉजिटिव आयन का तो टेस्ट दे ही नहीं सकता, कैसे दे देगा टेस्ट सी यू डबल पॉजिटिव का। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि वो तो संकुल आयन बनेगा ना उसमें। तीसरा, प्रत्येक के दो उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए। समन्वय सत्ता, समन्वय सत्ता तो पता है, जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ हिस्सा होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड
लिगेंड मैंने बता दिया आपको कई बार कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जुड़ी हुई मेन स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा व्यवस्थित होती हैं कि निश्चित व्यवस्था में। उपसह संयोजन संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर जितने उपसह संयोजक बंध बने हुए हैं उसे कहते हैं उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजक बहुफलक, केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर लिगेंड्स जिस ज्यामितीय आकृति में जुड़े हुए होते हैं उस ज्यामितीय आकृति को हम कहते हैं उपसह संयोजक बहुफलक। ठीक है, जैसे चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय, ये सब क्या हैं? बहुफलक हैं। होमोलेप्टिक तथा हेटरोलेप्टिक संकुल, होमोलेप्टिक संकुल उसे कहते हैं जिसमें सारे लिगेंड्स एक ही जैसे हों, और हेटरोलेप्टिक वो है जिसमें सारे लिगेंड्स क्या हैं? अलग अलग तरह के हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं। मतलब ये सारी बातें तो सीख ली आपने, एग्जाम्पल भी याद रखना इनके। ये देखो ये बहुफलक हैं, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, त्रिकोणमितीय पिरामिड, द्विवर्ग पिरामिड, होमोलेप्टिक, हेटरोलेप्टिक। देखो सारे एक जैसे लिगेंड हैं, होमोलेप्टिक, हेटरोलेप्टिक, देखो अलग अलग तरह के लिगेंड हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ आप, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन में। फोर्थ, एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं? एक दंतुर लिगेंड वो है जिसमें एक ही दाता परमाणु होगा, जैसे ये है दाता परमाणु एक है, नाइट्रोजन, इसमें भी एक है, इसमें ऑक्सीजन है। द्विदंतुर वे हैं जिनमें दो दाता परमाणु होंगे, और उभय दंतुर वो है जिसमें दाता परमाणु तो दो होंगे पर इस्तेमाल दोनों में से कोई सा एक होगा एक समय में। ठीक है, ये दोबारा से कहाँ से आ गया क्वेश्चन? ये रहा द्विदंतुर, द्विदंतुर देखो ऑक्सीलेट, दो हैं दाता परमाणु, एक तो ये, एक तो ये, दो दाता परमाणु, एक तो नाइट्रोजन ही है, इथाइलिन डाइअमीन जिसे EN बताया था मैंने सॉल्ट में, और उभय दंतुर में होते हैं जिनमें दाता परमाणु तो दो होंगे पर इस्तेमाल कोई सा एक होगा, जैसे ये या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन, ये ठीक है, ये उभय दंतुर हैं जिसमें दाता परमाणु तो दो हैं पर इस्तेमाल कोई सा एक होगा। जैसे इसे देखो, नाइट्रोजन से दे रहा है केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, यहाँ इसने ऑक्सीजन से दे दिया, यदि नाइट्रोजन से दे रहा तो नाइट्रो, और ऑक्सीजन से दे रहा तो नाइट्राइटो, यहाँ नाइट्रो आना चाहिए था, नाइट्रो गलत लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपसह संयोजन सत्ता में धातुओं के ऑक्सीकरण अंक का उल्लेख कीजिए। ये तो कई बार करा दिया मैंने ऐसा क्वेश्चन, चलो एक बार करा देता हूँ और इसका बताना। एक्स H2O का जीरो होता है, उदासीन अणुओं का जीरो होता है, साइनाइड का माइनस वन होता है, इसका जीरो होता है, टोटल प्लस टू है। तो X कोबाल्ट का X, एक H2O है जीरो, एक साइनाइड है माइनस वन, दो इथाइलिन डाइअमीन है जीरो, बराबर करके कुल आवेश कितना आया इनके ऊपर? प्लस टू है ना, तो बराबर करके प्लस टू लिख दो आप। अब इसे जीरो को और इसे जीरो को तो लिखने की जरूरत नहीं, एक्स प्लस माइनस माइनस का वन इज इक्वल टू प्लस का टू, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस का टू और प्लस का वन, एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका प्लस का थ्री, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री आ गया। बताओ ऐसे तो कर लोगे आप, किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे इसका एक्स मान लो, इसका एक होता है, इसका माइनस का एक होता है, बताओ ये कितने हो गए? माइनस के छः हो गए और प्लस के तीन हो गए, तो कितने बचे हैं? माइनस के तीन बचे, माइनस के तीन को ख़त्म करने के लिए प्लस का तीन होगा, एक्स निकाल गया। ऐसे कर लो कैसे, कि तीन तो हैं पोटेशियम प्लस वन वाले, एक है एफ ई एक्स वाला, और छः हैं साइनाइड माइनस वन वाले इज इक्वल टू जीरो। बताओ एक्स की वैल्यू निकलने की नहीं, क्या यहाँ से निकल जाएगी? ऐसे ये सवाल बेटे करना आना चाहिए, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या सबको निकालनी आनी चाहिए हर एक हालत में। ठीक है, और ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन आया, IUPAC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के लिए सूत्र लिखिए। नाम से सूत्र लिख सकते हो, अभी कराए थे ऐसे क्वेश्चन मैंने, अभी ऐसे क्वेश्चन कराए थे, इनकी पूरी प्रैक्टिस करके जानी है आपको, नाम से सूत्र लिखने की है। ठीक है, पढ़ लेना, नोट्स मिल जाएंगे आपको ये। अच्छा अगला क्वेश्चन फिर देखो, क्वेश्चन है IUPAC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। लिख दोगे नाम? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो तरह के क्वेश्चन में से एक आएगा एग्जाम में जरूर। देखो
हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये है इसका नाम, इसका नाम है हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड आएगा इसका, क्लोराइड निकाल के देख लेना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालना सिखाया, ठीक है। और जो बहुत सारे अभी, ये तो मैंने अभी कराई भी थे आपको, ये तो एमीन है, डाई अमीन, ये क्लोराइडो है और ये है मिथाइल अमीन। तो डाई अमीन क्लोराइडो, मिथाइल अमीन प्लेटिनम क्लोराइड, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका? जीरो, जीरो सेकंड होगा इसका, क्योंकि माइनस का वन तो यह है, माइनस का वन ये है, माइनस के टू को कैंसिल करने के लिए इसे प्लस का टू होना पड़ेगा। इस तरह इनके नाम की प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो लिखा हुआ अभ्यास के प्रश्न दो के समान, बिल्कुल करनी है प्रैक्टिस हर एक हालत में। देखो मतलब क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल पत्थर की लकीर है ये बात। एग्जाम में आईयूपीएससी यौगिकों के, आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए आएंगे, उपसह संयोजक यौगिकों के। आईयूपीएससी नाम यानी सूत्र से नाम और नाम से सूत्र, दोनों में से कोई सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जरूर, चाहे देख लेना आप। आठवां क्वेश्चन, उपसह संयोजन यौगिकों के लिए संभावित विभिन्न प्रकार की समावयवताओं को सूचीबद्ध कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। भाई ये तो अभी मैंने कराई आपको, समावयवता सारी कराई है समावयवता, ठीक है, इन्हें पढ़ लेना आप, ये इनके एग्जाम्पल हैं हर एक के, ये सारी सिखा दी मैंने आपको समावयवता, और फ्रेश लेक्चर में तो थी। नौवां क्वेश्चन देखो जरा, नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपसह संयोजक सत्ता में कितने ज्यामितीय समावयवी संभव है? यह ज्यामितीय समावयवी बता दोगे, कर दोगे इस क्वेश्चन को? देखो तीन हैं और तीनों के तीनों लिगेंड एक जैसे, ऑक्सीलेट हो, ज्यामितीय समावयवता दिखाई नहीं सकता। ज्यामितीय समावयवता की शर्त यह है कि कोई से दो लिगेंड एक जैसे होने चाहिए, बस दो एक जैसे, दो या तो दो दो के जोड़े हों या दो एक जैसे हों, दो अलग अलग तरह के हों, जब ही तो ये तो ज्यामितीय समावयवता दिखाई नहीं सकता। इसमें देखो तीन एक जैसे और तीन एक जैसे यहाँ दिखा सकता है, ठीक है। देखो तीन एक जैसे, तीन एक जैसे को सिस ट्रांस नहीं कहते, ध्यान रखना, जब दो दो के जोड़े बन रहे हो तो सिस ट्रांस। यहाँ देखो ये तीनों एक तरफ है ना, और ये तीनों एक तरफ है, ऐसी स्थिति को कहते हैं फलकीय है, या फेस, फेस कहते हैं फेस। और देखो अब तीनों एक तरफ नहीं है और ये भी तीनों एक तरफ नहीं है, देखो इसे कहते हैं रेखांशिक या मर। तो तीन तीन का हिसाब बन रहा हो तो फेस मर, सेम ग्रुप सेम साइड तो फेस, सेम ग्रुप सेम साइड नहीं है तो मर, ठीक है। और दो दो का हिसाब होता तो सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस फॉर्म समपक्ष रूप, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म। आगे आ जाओ आप, दसवां क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन है, निम्न के प्रकाशिक समावयवियों की संख्या। तो प्रकाशिक समावयवी तो बता ही दोगे आप, देखो तीन है ऑक्सीलेट, प्रकाशिक समावयवता दिखाएगा बिल्कुल हर एक हालत में, रहा देखो ठीक है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है प्रकाशिक समावयवी, एक डी फॉर्म है तो एक एल फॉर्म है, और ये देखो दो ई एन है दो सी एल, ये तो ज्यामितीय समावयवता भी दिखाएंगे, और एक डी फॉर्म एल फॉर्म, और ये दोनों सीस फॉर्म है देखो, एक डी और एक एल। अब एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, जो जो प्रकाशिक जो ज्यामितीय समावयवी होते हैं ना, सीस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, उसमें से सिर्फ सीस फॉर्म ही है जो प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं, सिर्फ सीस फॉर्म है जो प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं, ध्यान रखना। विपक्ष यानी ट्रांसफॉर्म प्रकाशिक निष्क्रिय होते हैं मोस्टली। अगला क्वेश्चन देखो, जिन बच्चों ने चैप्टर को पढ़ रखा है ना उनके लिए लेक्चर बहुत अच्छा है ये, और जिन्होंने चैप्टर को पढ़ ही नहीं रखा, सोच रहे कि खाली इसे ही पढ़ के काम चल जा, तो उनका काम नहीं चलने वाला इसे पढ़ के, उन्हें तो समझ में ही नहीं आने का क्या खेल खेल रहे हम, उन्हें नहीं समझ में आने का। रिविजन के लिए है क्वेश्चन सीरीज, ग्यारहवा क्वेश्चन, निम्नलिखित के सभी समावयव ज्यामितीय व ध्रुवीय की संरचना बनाइए। ये समावयवी जितने भी होंगे उनका स्ट्रक्चर आपको बनाना, ठीक है। देखो दोनों सीस फॉर्म है, एक डी फॉर्म हो जाएगा एक एल फॉर्म, ठीक है,
संपक्ष विपक्ष संपक्ष वाले प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं, विपक्ष वाले प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाते, ये चीज ध्यान रखना। सेम ग्रुप सेम साइड तो संपक्ष और सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो विपक्ष। 12वां क्वेश्चन, PtNS3BrClPy के सभी ज्यामितीय समावयवी लिखिए, इनमें से कितने ध्रुवण समावयवता दर्शाएंगे। भाई ध्रुवण समावयवता में समझाएंगे जो संपक्ष होंगे, सिस फॉर्म होंगे। कर लोगे ये पहचान? लो ये बना दिए देखो, ठीक है। ये प्रकाशिक समावयवी। अगला क्वेश्चन देखो, जलीय कॉपर सल्फेट विलयन नीले रंग का निम्नलिखित प्रेक्षण दर्शाता है। जलीय पोटेशियम फ्लोराइड के साथ हरा रंग देता है और जलीय पोटेशियम क्लोराइड के साथ चमकीला रंग। उपरोक्त प्रायोगिक परिणामों को समझाइए। मतलब जलीय कॉपर सल्फेट का विलयन है जो नीले रंग का है, जब उसे पोटेशियम फ्लोराइड के साथ मिलाया तो हरा रंग दिया, और पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलाया तो चमकीला क्यों? बस सारा उपसह संयोजक यौगिक का खेल है कि बड़े ब्रैकेट के बाहर कौन है। जलीय कॉपर सल्फेट नीला CuS2O का होल 4SO4 है, ठीक है। जब ये आयनों में टूटेगा तो सल्फेट आयन देगा ना, और ये नीले रंग का बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन जटिल आयन। तो एक ऐसा संकुल है जिसमें दुर्बल H2O लिगेंड F नेगेटिव लिगेंडो द्वारा प्रतिस्थापित होकर CuF4+2 हरा संकुल आयन देते हैं, ठीक है। मतलब यह दुर्बल लिगेंड यहां से हट गया, F4 आ गया, वो हरा रंग का हो गया, तथा Cl नेगेटिव लिगेंडो द्वारा प्रतिस्थापित होकर संकुल आयन CuCl4-2 चमकीला हरा रंग देते हैं। इस लैंग्वेज को लिखने की जरूरत नहीं, सीधा यहां से लिख सकते हो आप सीधी ये दो रिएक्शन लिख दो कि CuH2O का होल 4 था, फ्लोराइड से रिएक्शन कर दिया, CuF4-2 बन गया जो हरा अवक्षेप है। हल ये दो रिएक्शन लिख के आ जाओ, क्वेश्चन हो गया आपका। और ये था हमारे पास, इसने जब 4Cl नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन करी जलीय क्लोराइड आयनों के साथ, तो CuCl4-2 जो चमकीला हरा विलयन बन गया। ये दो रिएक्शन लिखनी है आपको सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जलीय केसीएन को आधिक्य में मिलाने पर बनने वाली उपसह संयोजन सत्ता क्या होगी। कॉपर सल्फेट में आपने क्या मिलाना है? पोटेशियम साइनाइड। इस विलयन में जब H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप क्यों नहीं प्राप्त होता? देखो यहां, देखो जब केसीएन के आधिक्य में कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट सेकेंड बनता है। देखो पोटेशियम साइनाइड है अधिकता में, कॉपर सल्फेट, ये भी दोनों जलीय हैं, मिलाया तो ये बन गया पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूपरेट सेकेंड और पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। साइनाइड आयन प्रबल अक्षेत्र लिगेंड है, अतः प्राप्त संकुल पर्याप्त स्थायी होता है। यह स्थायी है संकुल क्योंकि यह प्रबल अक्षेत्र लिगेंड है, इसे हिलने नहीं देने का, बॉन्ड को टूटने नहीं देने का, ठीक है। स्थायी स्थिरांक भी ज्यादा है इसका, आप लिख सकते हो स्थायी है, कोई वियोजन नहीं है, अतः सीयू डबल पॉजिटिव आयन उत्पन्न नहीं होते। सीयू डबल पॉजिटिव आयन बनने के ही नहीं है यहाँ, क्योंकि वो जो साइनाइड उस कॉपर के साथ आ गया ना, वो साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। देखो संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित उपसह संयोजन सत्ता में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए। बस आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगानी इन चारों के ऊपर, जैसा कि अभी मैंने आपको सिखाया था, पहले कुछ एग्जाम्पल कराए थे, देखो याद आ जाएगा आपको। जैसे पहला है Fe(CN6-4), तो आप Fe का पहले लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर Fe डबल पॉजिटिव का लिखोगे, फिर Fe डबल पॉजिटिव के बॉक्स में लिखोगे इलेक्ट्रॉन, फिर देखो CN प्रबल लिगेंड है तो पक्का इन्हें इकट्ठा कर देगा सबको कि मेरे लिए जगह खाली करो। जो प्रबल लिगेंड होता है वो अपनी जगह खाली करवा लेता है। तो जब साइनाइड आए ना Fe के पास, देखो जब साइनाइड आए तो वे जोड़े बना दिए और अपने आप D2SP3 संकरण दिखाया। देखो बस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन जो जोड़ों में है, तो कैसा होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा।
और यदि अंदर वाले देखो 3D के इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे तो आंतरिक कक्षक होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं तो निम्न प्रचक्रण संकुल होगा। ये तीन बातें तो लिखनी बस। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो के ऊपर ऐसा क्वेश्चन करना आना चाहिए आपको, अभी कराए थे मैंने। दूसरा ये भी इसी तरह होगा, ठीक है। इसमें लिगेंड फ्लोराइड है, अब फ्लोराइड लिगेंड है तो उसमें हिम्मत ही नहीं है इकट्ठा कर दे इन्हें, जूंगे तो पड़े रहेंगे। ठीक है बेटे, इस तरह ध्यान रखना चाहिए। बस आप लिगेंड ध्यान रखो, कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है, उसकी एक सीरीज है, नोट्स में ही मिलेगी आपको। ये यहाँ लिगेंड ऑक्सीलेटो है, यहाँ लिगेंड क्या है ऑक्सीलेटो, स्ट्रांग लिगेंड है, यहाँ फ्लोराइडो है, अब ये क्वेश्चन था क्या कोई? हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लो जरा एक बार, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन को दर्शाने के लिए चित्र बनाना। हमारे पास ये डी कक्षक हैं, ठीक है, ये डी कक्षक हैं, यहाँ से थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ी, कब बढ़ी, जब लिगेंड्स आए पास में और दो हिस्सों में टूट गए, टी टू जी ई जी, जो अष्टफलकीय में टी टू जी नीचे होता है, ई जी ऊपर, ठीक है। बस यहाँ दिखाने टी टू जी में कितने हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई जेड और डी जेड एक्स, और इसमें दो हैं ई जी में, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये चित्र बनाना आना चाहिए, कुछ नाम है इसके जो नाम लिखने आने चाहिए आपको। चलो आगे आ जाओ, देखो ये है वो जो मैं बता रहा था कि इसे ध्यान रखना आप, मतलब सीनियरिटी, कौन सा लिगेंड कितना स्ट्रांग लिगेंड है वो ध्यान रखना है बस। देख रहा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो देखो, स्पेक्ट्रम ही रासायनिक श्रेणी क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड तथा प्रबल क्षेत्र लिगेंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड ऐसा होता है जब केंद्रीय धातु परमाणु के पास आता है तो वो केंद्रीय धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर सकता, वो इतनी बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप ही नहीं करता, और जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है वो इतनी बढ़िया फील्ड डेवलप करता है कि वो केंद्रीय धातु परमाणु के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनसे जगह खाली करवाता है कि मेरे लिए डी कक्षक खाली करो, मैं 3D वाले कक्षक इस्तेमाल करूंगा अपने इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों को भरने के लिए, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आपको दूंगा, क्योंकि लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसे देता है, केंद्रीय धातु परमाणु को देता है, जब भी तो उपसह संयोजक बंध बनता है ना। देखो देखो बेटे, लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है, अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कराने पर प्राप्त श्रेणी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं उसे, और इसमें सबसे वीक लिगेंड है आई नेगेटिव, फिर बी आर नेगेटिव, एस सी एन नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, ऑक्सीलेटो, एक्वा, ई डी टी ए, एन एस थ्री, ई एन, सी एन, सी ओ, ध्यान रखना ठीक है। ये सीरीज जो है स्पेक्ट्रमी केमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रमी केमिकल सीरीज ये याद रखनी है आपको, कि कौन सी 18वां क्वेश्चन, देखो 18वां क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या है, उपसह संयोजक सत्ता में डी कक्षकों का वास्तविक विन्यास डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के मान के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है। इसके बारे में वैसे क्वेश्चन आना नहीं है इस तरह का एग्जाम में, इतना थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आना है, पर हाँ फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो जब लिगेंड एक धातु आयन की ओर जाता है, धातु परमाणु की तरफ लिगेंड जा रहा, तो डी कक्षकों का विपाटन दो समुच्चयों टी टू जी और ई जी में हो जाता है, टी टू जी निम्न ऊर्जा वाला तथा ई जी उच्च ऊर्जा वाला समुच्चय है, ऑक्टाहेड्रल के केस में दोनों समुच्चय के कक्षकों के बीच ऊर्जा का अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा ओ या डेल्टा नॉट अष्टफलकीय क्षेत्र तथा डेल्टा टी का मतलब चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए होता है। यदि यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा छोटी हो पी से,
का मतलब युग्मन ऊर्जा जोड़े बनाने के लिए। तो चौथा, इलेक्ट्रॉन किसी एक ईजी कक्षक में प्रवेश करेगा, यानी यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा तो कम है और जोड़े बनाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े नहीं बनने के। और ऐसा कब होगा? जब एक वीक लिगेंड आएगा केंद्रीय धातु परमाणु के पास तथा विन्यास T2G3EG1 होगा, अर्थात उच्च प्रचक्रण संकुल बनेगा, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, तीनों तो नीचे गए अयुग्मित तो हो ही जाएंगे। इस प्रकार के लिगेंड जिनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा युग्मन ऊर्जा से कम होती है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। और यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज्यादा हो युग्मन ऊर्जा से, तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में से किसी एक कक्षक में प्रवेश करेगा, अर्थात T2G4EG0 विन्यास के साथ निम्न क्षेत्र संकुल बनेगा। ऐसे लिगेंड जिनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होती है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड ऐसे होते हैं भाई, ऐसे होते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड, जो जिनकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज्यादा हो युग्मन ऊर्जा से, तो वे क्या करते हैं, वे जोड़े बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स को, कि भाई तुम्हें जोड़े बनाने पड़ेंगे हर एक हालत में। अब देखो 19वां क्वेश्चन, Cr(NH3)3+3 अनुचुंबकीय है जबकि NiCN(4)-2 प्रतिचुंबकीय है, समझाइए। सबको पता भाई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जोड़े बना देगा, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहने का तो प्रतिचुंबकीय होगा, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, अनुचुंबकीय, ठीक है। देखो यहां, देखो यहां, देखो Cr(PP) है, NH3 आया, जोड़े नहीं बने, तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो फिर तो अनुचुंबकीय होगा ही। जबकि इस केस में देखना, यहां ये देखो साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ये इसके भी जोड़े बनेंगे, बन गए जोड़े लो, और जोड़े बन गए, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय तो होगा ही, फिर होगा ना प्रतिचुंबकीय। चलो 20वां क्वेश्चन देखो क्या है, 20वां क्वेश्चन है Ni(H2O)6+2 का विलयन हरा है परंतु NiCN(4)-2 का विलयन रंगहीन है, समझाइए। भाई हरा विलयन इसलिए है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कलर तो देगा ही वो, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो Ni(PP), ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कौन आया H2O, देखो जरा, हाँ इन्होंने इन्होंने जो है लिख रखी है सारी बात। भाई आपको ध्यान ये रखना है कि इस केस में, इस केस में जो हमारे पास निकिल है उसके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी वजह से कलरफुल होगा ये, और इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड है, ये इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ जोड़ा बना देंगे, जगह खाली, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने का तो कलरलेस तो होगा ही। ये बात मैंने अभी समझाई थी कि जहां भी इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले पड़े होंगे या युग्मित, कलर भी वहीं होगा, और जहां इलेक्ट्रॉन जोड़ों में होंगे सारे वो होगा कलरलेस। देखो Fe(CN)6-4 तथा Fe(H2O)6 के तनु विलयनों के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। लो भाई फिर वही क्वेश्चन, भाई इनके रंग अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, इसलिए लिख दोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है इसलिए इनके कलर भी अलग अलग हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनकी अलग अलग है। देखो वही क्वेश्चन आ गया, धातु कार्बनिलों में आबंध की प्रकृति विवेचना कीजिए। भाई धातु कार्बनिल की खासियत यह है कि एक तो इनके संकुल उदासीन होते हैं, दूसरी बात भाई सिग्मा बंध भी बन सकता है, पाई बंध भी। सिग्मा बंध कब बन सकता है? सिग्मा बंध जब बनता है जब केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक खाली और जो लिगेंड है उसका डी कक्षक भरा हुआ, उसका कक्षक भरा हुआ हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यदि इसका उल्टा हो गया कि केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक भरे हुए और लिगेंड के कक्षक खाली तो बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, देखो यहाँ सिग्मा है और यहाँ क्या है, पाई,
बता दिया नेचर मैंने आपको कब बनता है सिग्मा कब पाई। नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड ही बनता है लिगेंड और संकुल के बीच, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि जो हमारा लिगेंड है उसके तो कक्षक भरे हुए होते हैं, उसे तो देने ना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है उसका खाली है डी कक्षक। निम्न संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे, ऑक्सीकरण संख्या इसकी एक्स माननी थी अभी निकाल रहे थे हम, बता दोगे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या इसकी बता दोगे। डी कक्षकों का अधिग्रहण एवं उपसह संयोजन संख्या, तीनों चीज समझा दी। देखो एक पहले उसमें ही देख लो आपके समझ में आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या तो आपको निकालनी आती है, ये ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाल दी ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और डी में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन हैं, और छह इलेक्ट्रॉन डी में है तो संकुल वो देखो लिगेंड कौन सा है, ऑक्सीलेट स्ट्रांग है, तो छह के छह इलेक्ट्रॉनों को यूं कहेगा नीचे ही रहो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G6EG0 ठीक है लिखा हुआ। देखो ऑक्सीलेटो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इस तरह आप लिगेंड की स्ट्रांगनेस से पहचान करोगे, और यही बातें बतानी इन सारे क्वेश्चंस में। आ जाओ चलो अगले क्वेश्चंस पर आ जाओ, 22वां क्वेश्चन है हमारे पास इस बार, 22वां नहीं 24वां, 24वां क्वेश्चन है निम्न संकुलों के IUPAC नाम लिखिए, एग्जाम में जरूर आएगा, तथा ऑक्सीकरण अवस्था भी बताइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उपसह संयोजन संख्या दर्शाइए, संकुल का त्रिविम रसायन का तथा चुंबकीय आघूर्ण भी बताइए। भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल इसमें से IUPAC नाम तो लिखने के लिए आएगा ही आएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन पकड़ा हमने सबसे पहले, ये तो बनाने की जरूरत नहीं जो इन्होंने बना रखा, इसका IUPAC नाम लिख दोगे, हाँ जी लिख देंगे, उपसह संयोजन संख्या लिख दोगे, दो और चार, ये तो इसका तो बाइडेंटिटी लिगेंड है ना, तो दो दूनी चार और दो छः होगी, उपसह संयोजन संख्या छः है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर का शॉर्ट फॉर्म है, कभी साइनाइड मान लो इसे, और आकार अष्टफलकीय होता है, और ऑक्सीकरण अवस्था इसे बताने की जरूरत नहीं है, इसे चित्र को यहाँ आ जाओ। ये ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रखी ना, निकाल दोगे ऑक्सीकरण संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दोगे और चुंबकीय आघूर्ण बता दोगे फार्मूले से, पिछले यूनिट में भी कराया था तो फार्मूला डी और एफ ब्लॉक में कर दोगे। ज्यामितीय समावयवी हैं, समपक्ष विपक्ष, और जो समपक्ष हैं वे फिर डी और एल फॉर्म भी दिखाएंगे, ध्रुवण समावयवता, यही काम हर एक में करना बस, जितने भी क्वेश्चन दिए इन्होंने इन सारे क्वेश्चन में यही काम करना बस ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ, ये सारे एग्जाम्पल में ही चल रहे हैं, अभी उसी के पार्ट चल रहे हैं। देखो डी कक्षकों का विपाटन दिखाना तो ऐसे दिखा सकते हो आप, 25वें क्वेश्चन को देखो जरा, 25वें क्वेश्चन में कहा उपसह संयोजन यौगिकों के विलयन में स्थायित्व से आप क्या समझते हैं, संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। भाई विलयन में संकुल के स्थायित्व का अर्थ साम्य अवस्था पर भाग ले रही दो स्पीसीज के मध्य संगुणन की मात्रा का मान है, संगुणन के लिए साम्य स्थिरांक यानी स्थायित्व या विरचन स्थिरांक का परिणाम गुणात्मक रूप से स्थायित्व को प्रकट करता है। इस प्रकार यदि हम निम्न प्रकार की अभिक्रिया को लें, अभी मैंने बताया था ये इसमें फास्ट ट्रैक में ये रिएक्शन है, तो इसमें साम्य स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक निकालना, तो इसकी सांद्रता ऊपर इन दोनों के नीचे ले लो, ये फार्मूला बन जाएगा साम्य स्थिरांक जैसा ही होता है, तो साम्य स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा Ml4 की विलयन में मात्रा उतनी ही अधिक होगी और उतना ही स्थायी संकुल बनेगा हमारा, और संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं केंद्रीय धातु आयन पर आवेश। भाई केंद्रीय धातु आयन पर आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, जितना आवेश होगा उतने ही उसके कक्षक खाली हुए होंगे ना, उतना ही ज़्यादा स्थायी संकुल बनेगा। धातु आयन की प्रकृति, जब लिगेंड के
ज्यादा परमाणु NO तथा F होते हैं, यानी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक। तो वर्ग 3 से 6 तक के तत्व तथा आंतरिक संक्रमण तत्व स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत, यदि लिगैंड के दाता परमाणु NO तथा F परिवार के भारी सदस्य होते हैं, तो वर्ग 6 के बाद वाली संक्रमण धातुएं स्थायी संकुलों का निर्माण करती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही है जो मैं बता रहा आपको। लिगेंडों की क्षारीय प्रकृति, लिगेंड की क्षारीय प्रकृति जितनी अधिक होगी उसके द्वारा बनाए गए संकुलों का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। भाई लिगेंड की क्षारीय प्रकृति का मतलब इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देने की प्रकृति। इलेक्ट्रॉन को देने वाला ही तो क्षार होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला तो अम्ल होता है। किलेटन, किलेटन माने ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर एक चक्र बना ले। तो जो किलेटिंग लिगेंड होता है ना, उससे जो किलेट यौगिक बनता है वो ज्यादा स्थायी होता है। किलेट यौगिक, किलेट लिगेंड की उपस्थिति संकुल के स्थायित्व को बढ़ा देती है, इसे किलेट प्रभाव कहते हैं। यह 5 तथा 6 सदस्यों वाली श्रृंखला के लिए अधिकतम होता है। एक है पॉलीडेंटेट लिगेंड, बहुदंतुर चक्रीय लिगेंडों का प्रभाव। इन लिगेंडों की उपस्थिति में संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है किलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण दीजिए। तो किलेट प्रभाव तो बता ही दोगे आप, समझा दिया मैंने किलेट प्रभाव। देखो किलेट बन रहा ना रिंग, बन रहा रिंग। इथाइलिन डाइअमीन है ये लिगेंड इथाइलिन डाइअमीन है, ये दोनों क्लोराइडों हैं। प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए निम्नलिखित में उपसह संयोजन यौगिकों की भूमिका एक संक्षिप्त विवेचना कीजिए। जैव प्रणाली में, औषधि रसायन में, विश्लेषणात्मक रसायन में, धातुओं का निष्कर्षण में, मतलब उपसह संयोजक यौगिक सब में इस्तेमाल होते हैं इनमें। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे तो पढ़ लेना आप, ये पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसे पढ़ लेना। इन सारी चीजों में इस्तेमाल होते हैं उपसह संयोजक यौगिक, धातुओं के निष्कर्षण में भी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है संकुल CONH3 होल 6 Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। दो तो Cl और ये एक, ये 3 होंगे आयन। ठीक है, कितने आयन मिलेंगे, 3। ये है उत्तर इसका सही, 3 ही तो आयन बनेंगे इससे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आयनों में से किसके चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक होगा। भाई चुंबकीय आघूर्ण उसका सबसे ज्यादा होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा के इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, वही उसका ही चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा, सीधी बात है। उसके बाद तीसवा क्वेश्चन देखो क्या है, KCOCO ये कोबाल्ट है, कार्बोनिल है। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल दोगे, कोबाल्ट की एक्स मान लोगे ना, इसकी +1 है, 0 कितनी हो जाएगी, -1। ये है आंसर इसका, -1 ही तो हो जाएगी भाई, +1 को कैंसिल करने के लिए इसे -1 होना पड़ेगा। अगला 31वां क्वेश्चन, निम्न में सर्वाधिक स्थायी संकुल है, सबसे ज्यादा स्थायी संकुल इनमें कौन सा है। सबसे ज्यादा स्थायी वो होगा जिसमें लिगेंड सबसे ज्यादा प्रबल होगा, ठीक है, और प्रबल में भी जो यदि कोई किलेट लिगेंड मिल जाए तो बल्ले बल्ले, ये किलेट लिगेंड है, द्विदंतु का है ना, सबसे ज्यादा स्थायी यही होगा। किलेटिंग लिगेंड स्थायी संकुल का निर्माण करता है, किलेटिंग लिगेंड। निम्नलिखित के लिए दृश्य प्रकाश में अवशोषण की तरंग दैर्ध्य का सही क्रम है, ठीक है, देखो ये जो आपके लिगेंड है ना, इन्हें देखो, केंद्रीय धातु परमाणु तो एक जैसा, निकिल निकिल निकिल, तो जो सबसे प्रबल लिगेंड होगा उसके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होगा, और जिसके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा जितनी ज्यादा होती है ना, तरंग दैर्ध्य उतनी कम होती है,
तरंग दैर्ध्य क्या होती है? उतनी ही कम। देखो हाँ, इसका आंसर लिखा हुआ देखो। सबसे वीक लिगेंड ये है, उसके बाद ये है, सबसे स्ट्रांग ये सबसे स्ट्रांग लिगेंड है, तो इसका मतलब इसकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी और ये सबसे कम तरंग दैर्ध्य पैदा करेगा। तो इसका सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा। देखो H2O NH3 NO2 सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य H2O वाले ने, उससे कम NH3 वाले ने और सबसे कम NO2 वाले ने। जो जितना स्ट्रांग लिगेंड होगा उसकी जो वो संकुल बना रहा है ना, उसकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी, और जिसकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज़्यादा होगी उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये हो गई हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन पर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करते हैं। चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पहला क्वेश्चन है, निम्न संकुलों को उनके विलयनों की चालकता के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, मतलब ये पूछ रहे हैं इनमें से ज़्यादा चालक कौन, किसकी चालकता ज़्यादा होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आयनों की संख्या गिननी है। इसमें कितने आयन बने? इसमें आयन बना एक, इसमें आयन एक, तो ये बना एक, दो बने, इसमें एक, इसमें चार बने। और जिसमें जितने ज़्यादा आयन बन रहे ना, आयन का मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले, ये जो मुक्त आयन होते हैं ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भांति कार्य करते हैं विद्युत धारा को प्रवाहित करने का। तो इसमें आपको आयनों की संख्या आप पता लगा लोगे ना। देखो एक तो संकुल आयन बना, एक बाहर है, दो ही तो आयन बने। इसमें एक संकुल आयन, तीन बाहर, चार आयन बने। इसमें एक ही है और इसमें एक तो ये और दो है, तीन, तो उसमें चार आयन बने। सबसे ज़्यादा चालकता होगी उसकी। कर लोगे इस क्वेश्चन को? दे रखा इन्होंने आंसर, देख लेना। जिसमें जितने ज़्यादा आयन होंगे उसकी चालकता उतनी ज़्यादा होगी उस संकुल आयन की। पानी में तो घोल लोगे चालकता दिखाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक संकुल यौगिक को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराई तो सिल्वर क्लोराइड, तो यानी उसके बड़े ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन होगा। इसके विलयन, इस विलयन की मोलर चालकता कुल दो आयनों के संगत है। यौगिक का नाम, सूत्र, सीधी बात है, यह है देखो CO H2O होल 4 Cl2 और बाहर Cl। भाई बाहर Cl है, जब तो वो रिएक्शन करके वो बना रहा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। यह है केंद्रीय धातु परमाणु बाइडेंटेट लिगेंड दो और दो सिंपल प्रकार के एक यौगिक सक्रिय हैं। यह संकुल की संरचना के संदर्भ में क्या इंगित करता है? इस प्रकार के यौगिक का एक उदाहरण दे। भाई इस तरह का यौगिक जो है ध्रुवण सक्रिय यौगिक इंगित करता है, एक तो ये सिस फॉर्म होगा कि इसकी संरचना समपक्ष अष्टफल की है। देखो समपक्ष, सिस फॉर्म और अष्टफल की है। उदाहरण में आप चाहे ये वाला उदाहरण दे दो, चाहे दे दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, MnCl4-2 का चुंबकीय आघूर्ण इतना बोर मैग्नेटोनों के कारण देते हुए समझाइए। भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लो ना इसमें, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आप दे सकते हो। देखो इसमें पांच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए चुंबकीय आघूर्ण इतना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि CO3 दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों के साथ अनुचुंबकीय अष्टफलकीय संकुल बनाता है, जबकि प्रबल क्षेत्र लिगेंडों के साथ बताओ कुछ क्वेश्चन है क्या? ये सबको बता कि भाई जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा, भाई जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा उसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा वो तो ये हालत करेगा, वो तो यूं कहेगा कि भाई तो जितने इलेक्ट्रॉन है सबके जोड़े बन जाओ, और जोड़े बनेंगे तो प्रतिचुंबकीय होगा ही। फिर वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉनों को मजबूर कर देते हैं कि जोड़े में रहो,
मजबूर कर देते हैं इलेक्ट्रॉनों को। अब देखो अगला क्वेश्चन, समझाइए कि Fe2O6+3 के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 बोर मैग्नेटोन है, दुर्बल लिगेंड है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसके आधार पर निकल जाएगा, जबकि Fe(CN6)CN प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, सबके जोड़े बना देगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रहेगी या ना के बराबर, तो यह केवल 1.74 बोर मैग्नेटोन। क्यों होता है ऐसा, पता ही चल गया होगा आपको क्यों होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का खेल है बस और कुछ नहीं है। जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को कम से कम रखेगा, और जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा वो कहेगा कि तुम्हें छूट है, कितने रहो अकेले अकेले, कोई दिक्कत नहीं है। नोवा क्वेश्चन देखो, निम्न संकुल आयनों को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बेटे ये जो संकुल है ना तीनों, इसमें आपको देखना कि लिगेंड कौन सा किसका कितना पावरफुल लिगेंड है, जितना प्रबल लिगेंड होगा ना उसकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, तो वो ऑर्डर याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। विद्युत स्पेक्ट्रम ही रासायनिक श्रेणी, उससे पता चलेगा लिगेंड की पावर का। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, विभिन्न चुंबकीय आघूर्ण वाले यौगिकों की पांच ज्यामिति समान संरचना क्यों होती है, मतलब विभिन्न चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग हैं पर उनकी समान ज्यामिति क्यों है। ऐसे यौगिकों में प्रबल क्षेत्र लिगेंडों तथा दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों की उपस्थिति के कारण है, कहीं प्रबल क्षेत्र लिगेंड है कहीं दुर्बल क्षेत्र है, इसलिए होता है ऐसा। यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान उच्च है तो यौगिक चुंबकीय आघूर्ण का निम्न मान दर्शाता है, इसी प्रकार विपरीत तथ्य उदाहरण जैसे ये तथा ये, इन संकुल आयनों में प्रथम अणु चुंबकीय है तथा बाद वाला प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि एफ नेगेटिव दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है जबकि NH3 प्रबल है। इसमें पहले में तो फ्लोराइडो आ रहा और दूसरे में ही आ रहा, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। मतलब लिगेंड की और केंद्रीय धातु की, इन दोनों की प्रकृति पर निर्भर करती है ये बात। CuSO4 × 5H2O का रंग नीला है जबकि CuSO4 रंगहीन है, क्यों? इसका रंग नीला इसलिए है क्योंकि ये जो है आयन देता है सीयू डबल, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा ना इसका, वो नीले रंग का है, ठीक है। ये जल के अणु इसमें मिलके कॉम्प्लेक्स आयन बना लेंगे ना, इसलिए होता है ऐसा। हाँ ठीक है, देखो 12वां क्वेश्चन, संकुल के द्वारा अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा संकुल के प्रेक्षित तरंग में क्या संबंध है। भाई जो तरंग दैर्ध्य उसने अवशोषित करी उसका जो पूरक रंग है वही तो दिखाई देगा, जो अवशोषित करी वो नहीं, जो उसने परावर्तित या पारगमित करी वो। जब श्वेत प्रकाश संकुल यौगिक पर पड़ता है तो इसका कुछ अंश अवशोषित हो जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा जितनी अधिक होगी संकुल द्वारा अवशोषित तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी, कम, ठीक है। प्रेक्षित तरंग अवशेष तरंग दैर्ध्य द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब जो उसने अवशोषित कर ली उसके अलावा जो तरंग दैर्ध्य जो अवशोषित नहीं करी उसे या तो परावर्तित कर दिया होगा या पारगमित, उसी से ही तो रंग दिखाई देगा। यदि यह बोर्ड है हमारा, यदि ये सात रंगों में से हरे रंग को छोड़ के बाकी सबको अवशोषित कर रहा तो यानी हरे रंग को तो परावर्तित कर रहा, इसलिए हरा दिखाई देगा, ठीक है। कलर ऐसे ही तो होते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप। 13वां क्वेश्चन, एक समान धातु तथा एक समान लिगेंडो के लिए अष्टफलकीय संकुल तथा चतुष्फलकीय संकुल के रंग भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है इसलिए, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित कर रही इसलिए, ये रीजन है इसका। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत तथा उपयोग करते हुए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, निम्न में से केंद्रीय धातु परमाणु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए तथा चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बस वही क्वेश्चन बार बार आ रहा, या तो आपका देखो देखो ये बना दिया हमने, ठीक है,
ये तो बार बार कर ही रहे हम इसे, मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो क्या नाम है उसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दोनों में से किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। संयोजकता आवंत सिद्धांत का उपयोग करते हुए दिए गए संकुल यौगिकों की निम्न की व्याख्या कीजिए, संकरण का प्रकार। अब संयोजकता आवंत सिद्धांत के आगे हैं क्वेश्चन, ठीक है, मतलब दोनों तरह के आने चाहिए। देखो, संयोजकता आवंत सिद्धांत बताए थे कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा वो किस तरीके से जगह खाली कराएगा, ये थे ना तीन, एक यहाँ आ गया, यहाँ एक यहाँ दिखाना चाहिए ना, देखो ये आ गया यहाँ, एक दो तीन चार थे, चार में से जोड़े बना दिए। अब आप कहोगे सर इसका भी जोड़ा बन जाएगा, नहीं, उसे सिर्फ डी के दो ही चाहिए अंदर के, डी दो से फालतू नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये सारी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं अभी शुरू से। अगला क्वेश्चन देखो आप, COSO4 Cl5NS3 दो सावयवी रूप ए तथा बी हैं। समावयव ए AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके सफेद अवक्षेप देता है, परंतु बी BaCl2 से अभिक्रिया नहीं करता। समावयव बी BaCl2 से अभिक्रिया करके सफेद अवक्षेप देता है, परंतु यह AgNO3 से अभिक्रिया कर नहीं करता। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी इस क्वेश्चन को करके आए हम NCERT में, करके आए इसे, दोनों रिएक्शन लिख के आनी है आपको। देखो परीक्षा संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कौन कौन से हैं। परीक्षा संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला आता है द्विक लवण क्या है, बता दोगे? जब दो सरल लवण एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तो द्विक लवण बनता है, और द्विक लवण को जब भी पानी में घोलते हैं तो जलीय विलयन में वो अपनी पहचान खो देता है। उदाहरण दे दोगे, फिटकरी और मोहर लवण। उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं? किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर जितने भी लिगेंड्स के द्वारा उपसह संयोजक बंध बनाए जाते हैं, उन उपसह संयोजक बंधों की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। उदाहरण सहित में K4Fe-CN6 का एग्जाम्पल दे देना, यह भी उपसह संयोजन संख्या है, ठीक है। इसमें उपसह संयोजन संख्या इसकी चार है, चार मोनोडेंटेट लिगेंड, चार बॉन्ड बनेंगे इसके ऊपर। इसकी आक्सीकरण संख्या निकाल दोगे, दो आएगी प्लस टू, कितनी आएगी प्लस टू। समन्वय संख्या को, समन्वय संख्या और उपसह संयोजन संख्या एक ही होती है, कर दोगे इस काम को तो, ठीक है बेटे। और ये देखो जरा दोनों के ऑप्शन क्या है। केंद्रीय धातु आयन की उपसह संयोजन संख्या, समन्वय संख्या छह है, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये बाइडेंटेट है ना, ये तीन दुनी छह। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? दो होगी प्लस टू, क्योंकि इसकी तो जीरो है, इसकी माइनस टू है, माइनस टू को खत्म करने के लिए प्लस टू होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं पेपर में बहुत, देखो ये बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन सारे के सारे। द्विक लवण समझाया इन्होंने और ये सारे जो मैंने अभी आपको बताए। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। लिगेंड क्या है? किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जो स्पीसीज हैं, चाहे धनायनिक या ऋणायनिक या उदासीन, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें लिगेंड्स कहते हैं। आवेश के आधार पर तीन तरह के होते हैं, धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन। दो उदाहरण दे देना इनके, चाहे क्लोराइड हो, ऑक्सीलेटो, इथाइलिन डाइअमीन। लिगेंड क्या है? दो उदाहरण दीजिए। एम्बीडेंटेट या उभयदंतुक लिगेंड तो पता है, ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु तो दो हैं परंतु एक बार में कोई सा एक दाता परमाणु ही इस्तेमाल होगा। संकुल इसमें एक्स का मान बताना हमें, कितना आवेश होगा बता देंगे। देखो मैं अभी बता रहा कितना आवेश होगा इसका ऊपर, देखो तीन है, माइनस वन, ये तीनों मिला के माइनस थ्री, ये दोनों मिला के माइनस टू, इन्हें जोड़ लो बस, उतना आवेश होगा। कितना होगा? माइनस थ्री से तो प्लस थ्री गया, माइनस के थ्री, माइनस थ्री होगा इसके ऊपर आवेश। देखो अगला क्वेश्चन, निम्न संकुलों को उनके विलयनों की चालकता के आधार पर, भाई जिस संकुल में जितने ज्यादा आयन है ना उसकी चालकता उतनी ज्यादा होगी, बस आयन गिन लो कितने हैं। देखो इसमें कितने आयन है, तो अभी आया था क्वेश्चन, आया नहीं था क्वेश्चन अभी, जिसमें जितने ज्यादा आयन होंगे उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी संकुल की। अगला क्वेश्चन, किलेट प्रभाव से आप क्या तात्पर्य है, बता दोगे?
इन्हीं दो कीलेटिंग लिगेंड के नाम बता दोगे। मोलर विलयन में AgNO3 का अधिक्य मिलाने पर कितने मोल AgCl अवक्षेप होगा और क्यों? ये यही तो हटेंगे। AgNO3 मिलाओगे तो दो Ag दो Cl के साथ दो मोल निकलेंगे, जब दो हैं बाहर आयन तो इसका उत्तर दो मोल है। रिएक्शन लिख के दिखा देना नीचे लिखी हुई नोट्स में, यहाँ रिएक्शन ये देखो, दो AgNO3 से रिएक्शन हुई, दो ही तो मोल बने, ये बने नहीं दो मोल सिल्वर क्लोराइड का, सफेद तो अवक्षेप बनेगा। देखो बेटे, वर्नर के सिद्धांत को समझाइए, इसके कितने आयन बनेंगे? दो और एक तीन। वर्नर का सिद्धांत पढ़ लिया, प्रभावी परमाणु क्रमांक का फार्मूला लिखना आपको, ठीक है? ये तो दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, भी पढ़ के आए हम इन्हें, कितनी बार पढ़ेंगे, बार बार। हाँ, द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, प्रभावी परमाणु क्रमांक एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC नाम जरूर लिखने सीख ली, और एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, पक्की बात है। IUPAC नाम मतलब आई सूत्र से नाम और नाम से सूत्र जरूर लिखने आने चाहिए। देखो ये सूत्र का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित के सूत्र लिखो, ठीक है? इनके IUPAC नाम लिखो, इनके IUPAC नाम लिखो, यही क्वेश्चन आते हैं हर साल पेपर में, यही इसके आंसर है, यही क्वेश्चन हर साल पेपर में आ रहे, पक्की बात है। इस चैप्टर में से चार क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन आएगा सूत्र देंगे IUPAC नाम लिखवाएंगे, और एक नाम देंगे IUPAC सूत्र लिखवाएंगे। IUPAC नाम दे दिया, सूत्र लिखवा दिया, यानी एक दूसरे के उल्टे पुल्टे, एक VBT और एक CFT का क्वेश्चन आएगा, VBT या CFT में से किसी का भी एग्जाम्पल आएगा कि इस उपसहसंयोजक यौगिक को VBT या CFT के अनुसार एक्सप्लेन कर दो, बस सारा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों की संरचना समावयवता की व्याख्या, उचित उदाहरण संरचनात्मक समावयवता, तो बता दिया आपको, चार तरह की होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न यौगिकों की ज्यामितीय समावयवता को समझाइए। ज्यामितीय समावयवता बनानी, सिस और ट्रांस बता दोगे? देखो सेम ग्रुप सेम साइड, यदि तीन तीन है तो फेस और मर है, तीन तीन है तो फेस और मर है, जो सिस फॉर्म है ना वही प्रकाशिक समावयवता दिखा सकता है, सिस फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, इसका विलयन हरा है और इसका रंगहीन, अभी तो करा था, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें है नहीं, जब ये दुर्बल लिगेंड है ये प्रबल है, VBT के आधार पे इसकी करना एक्सप्लेन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? कर दोगे? ये VBT तो चल रही हो। अगला क्वेश्चन, NiCl4-2 अनुचुंबकीय है जबकि ये प्रतिचुंबकीय है, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय हैं, कर दोगे? अभी तो करा था इस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे बेटे बार बार। देखो ये अनुचुंबकीय है ज्यादा और ये कम अनुचुंबकीय है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें कम है, जब ये प्रबल लिगेंड है इसने ज्यादातर के जोड़े बना दिए होंगे, इसने बनाए नहीं जोड़े। CONH3O6+3 आंतरिक कक्षक संकुल है जबकि ये बाह्य कक्षक संकुल है, भाई ये आंतरिक कक्षक संकुल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे कि अंदर जगह मिल गई होगी 3D के, और इसमें 3D के लिए जगह नहीं मिली होंगी, 3D कक्षक खाली नहीं मिले होंगे केंद्रीय धातु परमाणु के। देखो अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है भाई, 11वां क्वेश्चन है, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र तथा चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन समझाना, बस ये देख लो आप, ये तो हालांकि सारी चीजें आपको सिखा रखी, जब ये देखो अष्टफलकीय में तो ये व्यवस्था होती है, T2G 3 और EG 2, ठीक है? और चतुष्फलकीय में इसका उल्टा हो जाता है, EG ये नीचे और T2G ऊपर, ठीक है? चतुष्फलकीय में इसका क्या हो जाता है, उल्टा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक विश्लेषण का उदाहरण देते हुए जटिल यौगिक के महत्व को समझाइए। थ्योरिटिकल क्वेश्चन है,
गुणात्मक विश्लेषण में क्या है, जैविक निकायों में क्या है, उपयोग बताने इनके, उपसह संयोजक यौगिकों के उपयोग, इसे तो याद कर लेना आप। अब ये कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट से इन्हें देख लो, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है, ये बनाएगा ऑक्सीलेट। क्यों बनाएगा, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है इसलिए ये बनाएगा किलेट। दूसरा क्वेश्चन, भाई किलेट कोई मोनोडेंटेट लिगेंड किलेट नहीं बना सकता, किलेट तो वो बनाएगा जो कम से कम दो बॉन्ड बना रहा हो, दो, और दो बॉन्ड जब वो बनाएगा जब भी तो रिंग का निर्माण होगा। दूसरा क्वेश्चन, उपसह संयोजन संख्या कितने हैं, छह NH3 हैं, छह ही बॉन्ड बन रहे होंगे, ये है इसका आंसर, छह है इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी है, छह। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, समन्वय संख्या CO की, दो दुनी चार और दो छह, छह ये है, क्योंकि इसकी तो दो होगी ना, दो बॉन्ड बना रहा होगा और दो हैं ये, चार बॉन्ड तो यही हो गए, दो 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 बॉन्ड इनके हो गए, एक एक बॉन्ड करके। निम्नलिखित में कौन सी स्पीसीज कीलेटिंग लिगेंड की भांति कार्य नहीं करती, अच्छा ये नहीं करता, एम्बिडेंटेट है, डी है इसका आंसर, एम्बिडेंटेट लिगेंड है वो, यानी उभयदंतुक। कैसा क्वेश्चन है देखो, संकुल NiCN4-2 तथा NiCO4 प्रदर्शित करते हैं, दोनों संकुलों में Ni परमाणु समान ऑक्सीकरण अवस्था में, नहीं तो इसकी तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ दो है और वहां तो उसकी जीरो है। वर्गाकार समतलीय ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं, नहीं तो दोनों की वर्गाकार समतलीय थोड़ा ही होगी, ये तो DSP3 दिखा सकता है, वो SP3D। चतुष्फलकीय ज्यामिति नहीं, क्रम से वर्गाकार समतलीय तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति, ये ठीक है, DSP2 और वो SP3 दिखाएगा ना, तो डी है इसका आंसर, आया था ये क्वेश्चन हमारे पास, मतलब ऑब्जेक्टिव में नहीं आया था वैसे आया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, छठा क्वेश्चन देखो क्या है, छठा क्वेश्चन है, संकुल ए तो केंद्रीय धातु परमाणु है, दो इथाइलिन डाइमिनियम ऑक्सीलेटो है, नाइट्रो नाइट बाहर है, में तत्व ई की समन्वय संख्या दो दुनी चार और दो क्या मतलब, अच्छा समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण संख्या, समन्वय संख्या तो होगी चार और दो छह, और ऑक्सीकरण संख्या होगी ये -2, ये कितना हो गया है वो, -2 तो होगा, -3 को खत्म करने के लिए +3, ये हो गया इसका आंसर, समन्वय संख्या 6 और ऑक्सीकरण संख्या 3। ठीक है चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो आप, सातवां, निम्न में कौन सा संकुल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा, भाई प्रकाशिक समावयवता का मैंने बताया था कि दो तो होने चाहिए बाइडेंटेट और दो सिंपल होने चाहिए, यह कर देगा प्रकाशिक समावयवता, वही करेगा जिसमें दो बाइडेंटेट लिगेंड हो। ठीक है, निम्न में किसके प्रकाशिक समावयवी, निम्नलिखित में से किसके प्रकाशिक समावयवी हैं, देखो देखो दो बाइडेंटेट लिगेंड हैं और दो हैं नॉर्मल, इसके होंगे, पहचान करना सीख लो कि किस तरह पहचान होती है। नौवां क्वेश्चन, बंधनी समावयवता कौन दिखाएगा, पता ही है सबको, ये मैंने एग्जाम्पल में दो तीन बार बता दिया, कभी कार्बन से जुड़ सकता है, कभी नाइट्रोजन से जुड़ सकता है। अगला, त्रिविम समावयवियों की संख्या, इसके त्रिविम समावयवी ए सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दो तरह के बनेंगे। अब आप कहोगे जी इसके प्रकाशिक समावयवी नहीं बनने का, कहाँ से बन जाएंगे प्रकाशिक समावयवी, इसमें कोई बाइडेंटेट लिगेंड तो है नहीं, ये तो दो दो के मोनोडेंटेट के जोड़े बन रहे हैं, और ये तो फार्मूले से हो जाएगा सीधा सवाल, इसे तो कर लेना आप इसे। ठीक है,
बस ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। ठीक है बेटे, तो ये चैप्टर हमारा एक तरीके से हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। नोट्स में से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ये नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अगला चैप्टर मैं जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इतना लेट हुआ ये लेक्चर। बहुत जल्दी आपको अगला चैप्टर मिल जाएगा, और 9th क्लास के भी जो लेक्चर रुके हुए हैं वह भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे अब। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।